DGP Agni on duty. Officers, corporator, MLA, law minister, housing and urban minister, social welfare minister, home minister, or party president Rudra Pratap, aa rahe hain. So, be alert. Yes, sir. भाइयों, आज पूरी पुलिस फोर्स के नाचने गाने खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि पूरी 50 एकड़ जमीन आपकी गरीबी को ध्यान में रखते हुए मदद के रूप में आपका घर बनाने के लिए दान दिया जा रहा है। इतनी बड़ी मदद करने वाले वो दयावान इंसान कौन है, ये आप सबको पता ही होगा। वो और कोई नहीं, हमारे मसीहा श्री रुद्र प्रताप जी है। हमारे रुद्र प्रताप जी, आप सबके बारे में आपके प्रति जो भावनाएं हैं, वो अपनी दिल की गहराई से आप सबके सामने बयान करेंगे। तो सुनिए और मजा लीजिए। आइए सर, स्वागत है। आइए आइए। आई हेट पुलिस। आई हेट पुलिस। ये क्या रुद्र भाई, इतने सारे पुलिस वालों के सामने आई हेट पुलिस, ये कहा ना? क्यों रुद्र भाई? बिल्ली चूहों का शिकार करती है और बाज सांपों का शिकार करता है, शेर हिरन का शिकार करता है, क्यों? गुस्से से नहीं, भूख के लिए। ये सब प्रकृति के सारे नियम हैं। क्या सर, उस रुद्र प्रताप ने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बेइज्जती की और हम लोग चुपचाप सुनकर रह गए? उसे तो सबक सिखाना चाहिए। गणेश, उसे छूना तो दूर, उससे मिलने के लिए भी हमें 100 लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो इतना आगे बढ़ चुका है, ऐसे में उसे मारकर हवालात में बंद करना नामुमकिन है। पुलिस स्टेशन में मुझे कदम रखे हुए 30 साल हो गए और किसी भी पुलिस वाले को मैंने अपने घर के चौखट पर कदम नहीं रखने दिया। ये बताइए सर, रुद्र प्रताप ने करोड़ों रुपए की कीमती जमीन पुलिस वालों को दान में क्यों दे दी? दान नहीं किया है, भीख में दी है। उन्हें वो जमीन भीख में दे दी मैंने। वो सारे पुलिस वाले मेरे रहमो करम पर जी रहे हैं, ये सोचकर मुझे पता नहीं मुझे कितनी खुशी मिलती है। उसे कानून का भी कोई डर नहीं है, अपने धर्म कर्म से भी अनजान है और दया नाम की चीज तो बिल्कुल ही नहीं है। गणेश, ये रुद्र प्रताप पहले बहुत सामान्य व्यक्ति था, लेकिन अब अंडरवर्ल्ड को इसने पुलिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मिनिस्टरों को पैसे देकर उन्हें अपना गुलाम बना रखा है। इस रुद्र प्रताप की ताकत और कामयाबी के पीछे दो लोगों का हाथ है। देश पांडे, वेरी इंटेलिजेंट क्रिमिनल, वो आज बता सकता है कि आने वाले 25 सालों में ये शहर किस मुकाम पर होगा। दूसरा है इमरान, रुद्र प्रताप के साम्राज्य की रक्षा करने वाला सेनापति समझ लो। रुद्र प्रताप के रास्ते में जो भी आता है वो उसे हटा देता है। सर, इतने क्राइम करने के बाद भी रुद्र प्रताप आजाद घूम रहा है, उसके हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं पड़ी? हम तो एक तरह से बापूजी के 3 बंदरों की तरह ही हैं। आंख, कान, नाक सब बंद रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा कानून सिर्फ सबूत और गवाहों पर ही चलता है। कि लोगों ने मरने के डर से आज तक उस रुद्र प्रताप के खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं लिखवाई। आप तो नए हैं ना, धीरे धीरे आप भी सब कुछ जान जाएंगे। चलिए सर, इन सबका अंत नहीं है क्या? उस जमाने में राम ने रावण को मारा तो लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। इस जमाने में रुद्र प्रताप और उसके पूरे साम्राज्य को जलाकर खाक करने के लिए कोई न कोई बारूद बनकर जरूर आएगा। We'll be right back.
नहीं है। फिर मुझे देख के भागी क्यों? वो जो भाग गया वो कौन था? वो कौन है मैं सच में नहीं जानती सर, लेकिन जिसका खून हुआ है उसका नाम है संदीप पाटिल, एमएलए शंकर पाटिल का भाई। आपको पता ही होगा रवि काले, इसके साथ 36 का आंकड़ा था। वो इंतजार में था कि एक न एक दिन इसको जरूर मारेगा, लेकिन कोई दूसरा आदमी ही आकर इसे मारकर चला गया। उस काले को फोन लगा, इस डेड बॉडी को हम लोग बेचेंगे। डेड बॉडी को आप बेचेंगे? हेलो, तेरा दुश्मन संदीप पाटिल मेरे आंखों के सामने है, जल्दी से बोल उसको ठोको या नहीं। कौन है बे तू? मेरा बायोडेटा जानकर क्या करेगा, जल्दी बोल ठोको या नहीं। अगर तू उसे मारेगा तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। रोकड़ा तैयार रख और न्यूज चैनल देखता रहे। ब्रेकिंग न्यूज, देखा मर गया ना? अरे यार कौन है तू? उसे मारने की इतनी बार कोशिश की मैंने, लेकिन साला हमेशा बच जाता था। आज तूने मारकर मेरा काम कर दिया। ऐसे कहाँ भेजने है बता? सुन रहा है ना, या तू ही इधर आ जा। मेरा बहुत दिल कर रहा है तुझसे मिलने का, टाइम आने पर मैं खुद आ जाऊंगा। पैसे बैग में डालकर पुराने बस स्टैंड के सामने वाले अयोध्या होटल के पास रखते हैं। आपको दाद देनी पड़ेगी, डेड बॉडी का 10 लाख रुपए ले लिए। रवि काले के पास जाना है, उसने तो पैसे भेज दिए है ना। वो मुझसे मिलना चाहता है ना, चलते हैं। और काले भाई तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? मैंने कब बोला कि मुझे तुझसे मिलना है? मर्डर करने के बाद पुलिस नहीं तो क्या तेरा बाप आएगा? मर्डर? आप किस मर्डर की बात कर रहे हैं सर? क्यों भूल गया क्या? एमएलए शंकर पाटिल के भाई संदीप पाटिल का मर्डर तूने करवाया ये मैं जानता नहीं क्या? जहाँ पर मर्डर हुआ वहाँ पर खूनी का ये मोबाइल मिला है। मर्डर करने से पहले और मर्डर करने के बाद उसने तुम्हें फोन किया था, कॉल हिस्ट्री देख ले। रोज कोई ना कोई मुझे कॉल करता रहता है, और इस बात को लेकर आप मुझ पर शक करेंगे तो कैसे चलेगा सर? अगर तुमने संदीप पाटिल को मारा तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। पुराने बस स्टैंड के सामने, अयोध्या होटल के सामने पैसे रख दो, इतना सबूत काफी है, ये और भी दूं? नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है बता कितने पैसे देगा? 10 लाख ले लीजिए सर। तेरी जात का बैदा मारूं, शूटर और पुलिस में कोई फर्क नहीं है क्या? कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? दोनों का सेम रेट है? नहीं रुकिए सर, 20 लाख पड़ा हुआ है, ले लीजिए सर। 30 मिनट में 30 लाख रुपए? जिसका मर्डर हुआ वो शंकर पाटिल का भाई था ना? हाँ था। तो अब उसके घर पे चलते हैं। हाँ, उसे भी नहीं छोड़ोगे? उसके बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। आप अपने भाई से बहुत प्यार करते थे ना? सिर्फ प्यार नहीं करता था सर, वो मेरी जान था सर, जान। आपके भाई को जिसने मारा है मैं उसे जानता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। प्रूफ है? कौन है वो? रवि काले ही है ना? आपके भाई को किसने मारा है वो रवि काले भी नहीं जानता? नहीं जानता तो कौन है वो? सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। अरे केस वेस फाइल मत कीजिए सर, मैं उसे जान से मार दूंगा। कौन है मुझे बताइए। सर मैं उसे सजा दिलाऊंगा तब गवर्नमेंट मुझे गोल्ड मेडल देगी। सर गोल्ड मेडल लेकर उसे अपने घर के शोकेस में रखेंगे क्या? आपको जो चाहिए मांगिए, जितना चाहिए मांगिए, बस वो कौन है बताइए। ऐसी घड़ी में अगर मुझे ट्रांसफर चाहिए तो आप कर पाएंगे या नहीं? क्यों नहीं कर पाऊंगा, कहाँ करना है आपको, ट्रांसफर कहाँ करवाना है बताइए, हो जाएगा आपका ट्रांसफर, अब तो करवा दिया। कौन है वो बता दीजिए ना सर। ट्रांसफर तो करवा दिया पर साथ में खर्चे का कुछ। ओई माँ, आप तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी निकले, मॉडर्न चाणक्य। ये सब तेरी वजह से हुआ है, ये ले पकड़। तू मिली है मेरा नसीब। कहाँ खो गई? सारी दुनिया हमें पनौती कहती है, लेकिन आपने मुझे लकी समझा, मुझे पैसे भी दिए। प्लीज राजा मुझे अपने साथ रख लो ना। उधर नीचे। मना मत करना, आज से मैं सिर्फ आपकी हूँ। आज के बाद मत मिलना मुझे। वो क्यों? ट्रांसफर हो गया मेरा। कहाँ पर? सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। हेलो। आपके डीजीपी साहब कब आएंगे? आएंगे। हेलो, आपके डीजीपी साहब दिखते कैसे हैं? सर हमारे साहब ना आग का गोला है, उन्हें देखकर बड़े बड़े मुजरिम भी जलकर राख हो जाते हैं, पता है? ए, 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 ए। इस वर्दी की कीमत लगाना तेरी तरह मासूमों को मारकर उनका खून पीने जितना आसान काम नहीं है। चंडाल 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 चंडाल। साहब आ गए। This is your joining letter. Thank you, sir. पता नहीं कौन सा जोन दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ डिवीजन।
जयनगर, त्यागराज नगर, आड़गुड़ी, बसवनगुड़ी, सिद्धपुर, सेंट्रल, जेपी नगर, अच्छा अच्छी कमाई हो सकती है। क्या कमाई? कैसी कमाई? नाम कमाना सर, खून पसीना बहाकर अच्छा नाम कमा सकते हैं सर। लुक, ये बचपना छोड़कर सिंसियरली और सीरियसली काम करो तुम। करूंगा सर, मैं पुलिस की नौकरी करने क्यों आया सोचकर 24/7 365 days अब परेशान रहेंगे, ऐसा काम करूंगा। What? सर मतलब अगर मैं सीरियसली और सिंसियरली काम करूंगा ना तो क्रिमिनल ही नहीं बचेंगे, फिर आप मेरे पास जरा भी काम नहीं है सोचकर हमेशा परेशान रहेंगे सर। चलता हूँ सर। कुत्ते की औलाद, मेरी ताकत का तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है बे। एक्शन कुमार के बाद अगर कोई खिलाड़ी कहलाता है तो वो मैं हूँ बे, समझ गया ना? आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, बदमाश, बेवकूफ, गुंडा साला, मुंह खोल। थोड़ा जोश में था तो लंबा डायलॉग बोल दिया, उसके लिए इतना जोर से क्यों चिल्लाया भाई? ए, जेब से रेजर नहीं निकालेगा। हाँ तो तू तेल लेकर आया है, ये क्या कर रहा है तू? चल शुरू हो जा। ए, तूने क्या मुझे मसाज करने वाला नाई समझ रखा है? आई एम पुलिस। नए एसीपी साहब आ रहे हैं, नाम है सूर्या, यंग एंड एनर्जेटिक ऑफिसर। मैं पुलिस वाला हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं। क्विक मेक द लाइन। मुझसे पहले वाले एसीपी आपसे कैसे पेश आते थे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त से कैसे रहना है, क्या करना है, पुलिस का मतलब क्या है, ये मैं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। से इट लाउडली। यस सर। अब शपथ लो। यस सर। यस सर। यस सर। हे भगवान, हे भगवान, आज और अभी से, आज और अभी से, हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। कमॉन, लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, निस्वार्थ छोड़कर स्वार्थ के लिए, निस्वार्थ छोड़कर स्वार्थ के लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हम जिएंगे, हम जिएंगे। खून खराबा, लूट मार, चोरी चकारी जैसे सारे काले धंधे हम लोग ही करेंगे। खून खराबा, लूट मार, चोरी चकारी जैसे सारे काले धंधे हम लोग ही करेंगे। अपने तन मन धन से हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं। इतने इमोशनल क्यों हो गए हो आप लोग? बहुत ईमानदार होंगे सर। आपकी माँ की कसम, सबकी माँ की कसम, हम ईमानदार नहीं है सर। आप हमारे पालनहार है सर। आपसे पहले जो एसीपी डीसीपी आए थे उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी, हमें तो चाटने भी नहीं दिया सर। सरकार के बहके हुए टुकड़ों पर ही किसी तरह जी रहे सर। सर कभी कभी हमारी तनख्वाह से ये लेकर आओ वो लेकर आओ कहकर हमारा जीना हराम कर रखा था सर। आज से आप लोगों की जिंदगी सवारना मेरा पहला काम होगा सर। आप खाकी वर्दी में हमारे लिए बिल्कुल भगवान है सर। बकरतुंड वहां का है सुहे। बस करो, अब से हमारा ध्यान जो है सिर्फ कमाई पर होना चाहिए और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बंदूक की गोली पर नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों की तिजोरी पर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। आज से और अभी से हम सबकी आवाज एक ही है और लक्ष्य भी एक ही है, अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। अभी करेंगे तो कभी करेंगे, अभी करेंगे तो कभी करेंगे, अभी करेंगे तो कभी करेंगे। सर, सर आप कितने अच्छे हैं सर। अब भगवान है सर। मुझे तुम लोगों की यह भक्ति बहुत अच्छी लगी, अब इसी स्टाइल में मेरा थोड़ा सा गुणगान भी करो। सब बोलो गणेशा, जय बोलो गणेशा, गाओ रे सब मिलके झिंगा 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 सो, झिंगा 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 रे, आया पुलिस वाला देखो रे, झिंगा 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 रे, डेयरिंग डबल सिंघम रे, चोरी होने न दू, क्राइम होने न दू, जहां से मैं निकलू मारे सबसे लूट,
ये तू हर टॉस में सबका हूँ बॉस मैं। I am the man, कानून का फैन। Hey, I am the man, कानून का फैन। झिंगा 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 रे। हाँ झिंगा झिंगा झिंगा। आया पुलिस वाला देखो रे। आया आया देखो। रामा 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 रे, बड़ा मस्त ड्रामा रे, होगा ना कोई ऐसा हीरो पुलिस वाला रे। रामा 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 रे, बड़ा मस्त ड्रामा रे, होगा ना कोई ऐसा हीरो पुलिस वाला रे। अपराधी हर राउंड 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 मेरे मारू मैं बड़ी। ऑल टाइम ड्यूटी, पार्ट टाइम मस्ती, ऑन टाइम एंट्री, इन टाइम विक्ट्री। वर्दी से करूं मैं प्यार, मानू कभी ना मैं हार। आई एम द मैन, कानून का फैन। आई एम द मैन, कानून का फैन। पागल, पैसे पैसे निकालना। सुबह सुबह दिमाग मत चाट, पैसे नहीं मेरे पास, चल निकल। जो हम लोगों को पैसे नहीं देते ना, उन्हें हम श्राप देते हैं, पता है? जो तुम श्राप दोगी तो वो सच हो जाएगा क्या? अच्छा, अच्छा। देखना चाहता है, तेरी गाड़ी अब स्टार्ट ही नहीं होगी। जा निकल निकल निकल, जाम हुए। तू अभी जा यहाँ से। मैं भी देखती हूँ कैसे निकलता है। देखता हूँ कैसे स्टार्ट नहीं होती। क्या हो गया इसको? दुआ ले ले। अरे तू भी देना। थैंक यू दीदी। शुरू नहीं हो रही। क्या हुआ बेटा, किक मार मार के हवा निकल गई क्या? भीगे हुए कौवे की तरह हो गया। देखा ना हमारे श्राप का असर। चल निकल, तुम्हारे पैसे, अपना श्राप वापस ले लो। ना रास्ते पर भगवान का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट कर, मैं अपने श्राप को वापस ले लेती हूँ। अपनी आँखें बंद कर, अब जा बेटे, तू भी कुछ निकाल दे। चल जा यहाँ से। ए, नहीं देगा तो पता है ना, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। बस कर, तूने मुझे एड़ा समझा है क्या? मैं ना अपनी गाड़ी के साइलेंसर पर नजर रखता हूँ। ये मुआ तो बहुत चालाक कर पाओगी। तू होशियार नहीं, एक नंबर का गधा है। अब तेरी चाबी ले ले। देखो देखो देखो, मेरी चाबी मुझे दे दो। मैं कहता हूँ प्लीज मेरी चाबी दे दो। अब आया ना रास्ते पर, ये ले तेरी चाबी। ये क्या लगा रखा है? तूने क्या समझकर मेरा हाथ पकड़ा रे? तो क्या हुआ? ये बॉडी पूरी की पूरी एसीपी सूर्या की है। एसीपी सूर्या साहब का कब्जा है। राजा, सिपाहियों, बॉस, लोगों की जेबें खाली करो। आखिर मिल ही गया ना। अरे रे,
ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया? क्या वसंती, वहाँ से यहाँ कब आ गई तू? अब से तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। ए राजा, तुम्हें देखते ही ना मैं मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ, दिल फड़फड़ाने लगता है, मेरे पूरे बदन में बिन मौसम बरसात होने लगती है राजा। देखो, मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी, अब सोच समझ कर मुझे जवाब देना, ठीक है ना? निकल अभी। हाँ बोल बोल, हाँ बोल, जल्दी जल्दी। ए लड़की, भाई, ए लड़की, ए पागल, सुनाई नहीं देता क्या? कब से चिल्ला रहा था, एक दूंगा कान के नीचे। सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? मनविता। सूर्या। ओके बाय, संभल कर जाना। बॉस बॉस, रियल एस्टेट वालों ने हमारे खिलाफ रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है बॉस। क्या कहा? नमस्कार, आप पर हुए अन्याय के लिए रियल एस्टेट संघ का अध्यक्ष 4060 सुधाकर यानी मैं, उपाध्यक्ष 3040 प्रभाकर यानी मैं, ACP के द्वारा हो रहे अन्याय के खिलाफ आजकल हम जंग छेड़ रहे हैं। अगर ये ACP इसी तरह हमारी कमाई का आधा हिस्सा हमेशा निकलता रहेगा ना, तो हमें ये व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े उतार कर, फटी हुई चटी बनियान पहन कर, हमारे रियल एस्टेट ऑफिस को चाय की दुकान बनाकर, चाय कॉफी। ऐसी चीजों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। ऐसे कितने ACP हमारे आगे दुम हिलाते हैं पता है? उसके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर लेने से पहले हम AK-47 निकाल कर। अरे चलो भागो रे! सब बोलो गणेशा, जय बोलो गणेशा। हम जैसे शरीफ लोगों को एम्बुलेंस में डालकर भरपेट खाना खिलाने की क्या जरूरत है सर? क्या जरूरत है, एक बार एम्बुलेंस को 360 डिग्री घुमा कर तो देख बेटा। सब बोलो गणेशा, जय बोलो गणेशा। कैसा कॉन्सेप्ट है सर, ये यम्बिल का गेटअप क्यों है सर? सरकार ने एम्बुलेंस को 108 नंबर क्यों दिया है बताओ? वो इसलिए इंसानों में 108 तरह के रोग होते हैं, वो देखिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये 801 किस लिए है सर? तुम जैसों को 801 तरह के स्टाइल से धोना पड़ता है ना, इसलिए। ये 108 एक्सीडेंट होने वाले, जिंदगी और मौत से लड़ने वालों को सर्विस देता है, और ये 801 जो है हमारे खिलाफ जाने वालों को ट्रीटमेंट देता है विद कॉम्प्लीमेंट्री। समझा क्या? ये अन्याय है। यमराज के सामने बैठकर उनके विरुद्ध बोलने की क्या जरूरत है रे बेवकूफ। परमेश्वर, ये खाने का भंडारा और कहाँ कहाँ चल रहा है भाई? आजकल वो ACP बहुत ज्यादा उड़ रहा है भाई, वो ACP बहुत नाटक कर रहा है, मैं उसे ऊपर पहुँच। तो खाजा देना भाई। पैसे देकर लोगे या फ्री में चाहिए? फ्री में, ठीक है फ्री में दे दो। तो फिर ACP सूर्या को गाली दो। वो ACP जल्लाद है, उससे बड़ा हफ्ता लेने वाला मैंने। फ्री में चाहिए था ना तुझको, खाया ना पेट भर के? नट बोल्ट सब ढीला कर दिया उस जल्लाद ACP ने, छोड़ूंगा नहीं उसको। मर गया। गणेश आए नवा, ACP पांडे आए नवा। तू क्या कर रहा है? बॉस, भगवान पीछे है और तू मेरी आरती क्यों उतर रहा है? बॉस, आप ही हमारे भगवान है बॉस, आपकी कृपा से हमारे बच्चे किसी म्यूनिसिपालिटी स्कूल में ना पढ़ते हुए इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बॉस। मैंने पत्नी को सोने के कंगन, सोने की अंगूठी और सोने की चैन दिलवाई है बॉस। सोना सोना कहके मेरी बीवी मुझको बुलाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है बॉस, मेरी जिंदगी फुल हैप्पी बॉस। मैंने 3BHK फ्लैट का एडवांस देकर एग्रीमेंट भी करवा लिया है, उस फ्लैट पर आपका नाम लिखवाने की सोच रहा हूँ बॉस। मेरे डैडी के लिए I-20, मेरी मम्मी के लिए I-10, मैंने भी एक I+ लिया है। अब मेरी पूरी फैमिली ना I फैमिली हुई है बॉस। अब हम सारे लोग तो सेटल हो गए हैं, आप तो हमारे गोल्डन बॉस हैं। आप जो कमा रहे हैं उससे तो आप, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे सब आराम से रह सकते हैं बॉस। सिपाहियों बॉस, कानून के मुताबिक वोटिंग की एज 18 की है और लड़कों की शादी की एज 21 की है। ऐसा क्यों किया पता है? 18 साल में चाहे तो देश को आराम से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन लड़कियों को हैंडल करने के लिए टाइम और अनुभव ज्यादा होना चाहिए। और तो और, आजकल के जमाने की लड़कियां तो अब उन्हें समझना बड़ा ही मुश्किल है।
एक्ट्रेस इसमें कमाल के लग रही है। सिपाहियों, बॉस, पहली बार किसी लड़की के बारे में जजमेंट मिल रहा है। एसीपी के दिल के अंदर पटाखे फूट रहे हैं। वो पटाखा किसी और का नहीं है ये पता कर लीजिए बॉस, वरना आपके दिल के चितड़े उड़ जाएंगे। पटाखों का बिजनेस करके ही इस फील्ड में एंट्री मारी है मैंने। पटाखा भी मेरा है और ये पटाखी भी मेरी है। अरे मेरी पटाखी जा रही है, आग लग चुकी है। शहरों में कानून व्यवस्था बढ़ा दी गई है, महिलाओं का रास्ते पर सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया एक है। क्वार्टर ब्रांडी देना। हेलो ब्रांडी, साथ में एक रम, विस्की, वाइन, जिन, वोडका और एक स्ट्रॉन्ग बियर, ये पकड़। सुनिए देवी जी, सोडा लेना तो आप भूल ही गयी। सोडा मिलाने से पावर कम हो जाता है, मैं एकदम नीट गटक जाती हूँ। दारू पिलाऊंगी तो पिछले हफ्ते हुए रेप के बारे में डिटेल्स दोगे, तुमने कहा था ना। दूंगा ना दीदी। ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ ले ले। ये क्या, दारू अंदर जाते ही इज्जत का भाजीपाला कर दिया। ए तो चुपचाप रहे ना, हमें तो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है यार। अच्छा बताओ कालिया, तुमने रेप कैसे किया? पिछले हफ्ते के रेप की खबर पुरानी हो गई है, अब लेटेस्ट में ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ ले ले। अब ये मच्छी वाला कालिया जो है बड़े ही भयानक ढंग से मुंह काला करने वाला है। वो है SBTV रिपोर्टर संगीता। तैयार है ना कैमरामैन मरने के लिए? आजा मेरी संगीता, मैं हूँ तेरा बिजलानी। ए लोफर, मेरे पैसे की दारू पीकर मेरा मुंह काला करने की बात कर रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, उसे दारू पिलाकर आराम से केस सॉल्व हो जाएगा सोचकर लाड़ प्यार से बातें करोगी तो क्या कोई छोड़ देगा? बाप रे, जंगली हाथी की तरह हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। इसके आने की स्पीड देखकर लग रहा है ये तुम्हारे साथी नहीं मेरे साथ भी मुंह काला करेगा। ए गोरी चिड़िया, जा रे काले हाथी भाग। अरे वो देखो पुलिस। हाँ, चलो, 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 चलो। अपने एसीपी साहब, ये लीजिए पैसे, ऐश कीजिए, मैं इस लड़की के साथ मुंह काला करूंगा, स्वर्ग की सैर करके आता हूँ। स्वर्ग? मैं तुम्हें सिर्फ स्वर्ग के नहीं बच्चा, तीनों लोगों के दर्शन कराऊंगा ना। सभी मुजरिमों को छोड़ देते और मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये गलत है। आप जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसरों की वजह से पूरी सोसाइटी खराब हो रही है। आप हंस रहे हैं? क्यों बॉस, सुबह सुबह लव के मूड में क्या? मेरे सीने के अंदर पटाखे फट 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 फूट रहे हैं, उसे बुलाओ ना। बॉस? कैसे बॉस बुलाने का, वो प्रेस है। हम पुलिस। सो व्हाट, कॉल द प्रेस मी। ये फैन का इफेक्ट कहां से आ रहा है? संपर्क कहिए सर, ये प्रेस मीट किस लिए? शहर में हो रहे मर्डर की वजह से क्या? या फिर सेक्स रैकेट के लिए? एक्सट्रॉशन के लिए क्या? या फिर चाइल्ड लेबर के लिए? या हाल ही में हुआ रेप उसके लिए बुलाया? बताता हूँ, सुनिए, प्रेस मीट टाइम पास के लिए नहीं बुलाई है। पहले ना जेंट्स सब पीछे जाइए और सारी लेडीज आगे आ जाइए। अरे भाई ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? BST बस का कॉन्सेप्ट है। ये बताने वाले तुम होते कौन हो? उनका फैन हूँ। फैन है तो उनका बर्थडे मनाओ, केक कट करो, उनके पीछे धूम हिलाओ, यहाँ प्रेस मीट में नौटंकी मत करना। ए, फैंस से है ये जमाना और फैंस के लिए ही मैं जीता हूँ, उनकी वजह से ये स्टेटस बना है और उनकी वजह से थिएटर्स में सीटियाँ बचती है। बताइए आपने प्रेस मीटिंग क्यों बुलाई है? कल सलवार कमीज पहनी, आज पैंट और शर्ट, अब साड़ी कब पहनोगे? व्हाट? बॉस, साड़ी शादी के बाद पहना दीजिएगा। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। ऐसा क्या? हेलो, यस बॉस, प्रेस मीटिंग बुलाने की वजह बताइए। शादी के बाद भी आप अपना जॉब कंटिन्यू करेंगी क्या? ये सब क्या है सर, प्रेस मीट है या पर्सनल मीट है? हमारे पास चैनल नहीं है क्या? हमारे पास माइक नहीं है क्या? फिर आप हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? बॉस,
मेरे प्यारे मीडिया के दोस्तों, दिल्ली के एक पुलिस ऑफिसर ने लेडी जर्नलिस्ट से प्यार करके शादी की। तालियां। ये एक न्यूज है और इस बकवास के लिए एक प्रेस मीट है। एक्चुअली न्यूज बताने के लिए हमारे बॉस थोड़ा शर्मा रहे हैं। मैं बताता हूँ, वहाँ दिल्ली में हुए एक प्रेस और एक पुलिस दोनों के लव मैरिज से हमारे बॉस थोड़ा इंस्पायर हो गए हैं और एक लेडी जर्नलिस्ट से ही शादी करने का फैसला कर चुके हैं। आपकी समझ में कुछ आया क्या? आप में से किसी लेडी जर्नलिस्ट को हमारे बॉस से शादी करने का इंटरेस्ट हो तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पुलिस प्रेस कॉम्बिनेशन बड़ा ही क्रेजी होगा। आप इस बारे में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो? Not interested. दिल्ली में जाके ट्राई कीजिए, मिल जाएगी। प्रेस मीटिंग को मजाक बना रखा है तुमने। दोबारा इस तरह की घटिया प्रेस मीटिंग मत बुलाइएगा। कम से कम चाय पिला देते, कॉफी पिला देते। चाय कॉफी किस लिए? विस्की वगैरह पिला देते हैं, ठीक है ना? विस्की का इंतजाम है, बहुत मजा आएगा। मैं समझ गया सर, एसीपी की बदमाशी से पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। मीटिंग बुलाइए या ठोस कदम लीजिए। ये मीटिंग एसीपी सूर्या के लिए ही बुलाई गई है, पर वही नहीं है तो मीटिंग शुरू कैसे करेंगे? आज किसी भी तरह से उस एसीपी को निकलवा कर रहेंगे। यहाँ तो क्या कर रहे हो? डीसीपी के साथ लैंड डील कर रहे हो क्या? काहे की लैंड डील है? एसीपी सूर्या के खिलाफ हम कंप्लेंट देने आए ना। बाप रे, इसने भांडा फोड़ दिया। कंप्लेंट? खाने का स्वाद अभी तक हम नहीं भूले हैं सर। कौन सा खाना, कैसा स्वाद? डिटेल में बताते हैं तुझे। रुक सर, आप जाइए। पैसे से या मुफ्त में? मुफ्त में ही मिलेगा। तो फिर मुझे और मेरे परिवार सबको देना। हाँ, सबको मिलेगा। जा, हमारे एसीपी साहब आ रहे हैं सर। ए, वो कोई मैसूर का महाराजा है? बिल्टअप बनाना बंद कीजिए और बैठ जाइए। यस सर। यहाँ रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सर। इतनी देर क्यों हुई? अब क्या करे सर, उसने 20 का, मैंने 30 का, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था, मैंने भी उसकी बात मानने से मना कर दिया। आखिर में ऐसा वैसा करके 25 में सेटलमेंट कर दिया सर, और इसी चक्कर में मुझे देर हो। देख रहे हैं सर, आपके सामने ही सेटलमेंट की बात कर रहे हैं ये। सर, सेटलमेंट मतलब काहे का सेटलमेंट समझा आपने? नींबू का सर, मैंने 50 का 30 मांगा तो वो 50 का 20 ही दूंगा कह रहा था। बाप रे बाप, बहुत टेंशन है सर। इन सब्जियों का भाव भी ना आसमान छू रहा है सर। मार्केट में भिंडी का क्या रेट है सर? बैंगन जितना ही है सर। तब तो सेम रेट है। ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करने आए या सब्जी खरीदने? चलिए बैठ जाइए सर। विल यू प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। अब आप लोग अपनी कंप्लेंट बताइए। अब क्या कहेंगे सर, एक या दो नहीं, छोटे मोटे पिक पॉकेट जैसे केसेस से लेकर बड़े बड़े रियल एस्टेट के सारे सेटलमेंट तक उनके पास ये खुद जाकर एडजस्ट करते हैं। बात थाने में आने ही नहीं देते। प्रोफेशनली डील किए जाने वाले केसेस को ये पर्सनली डील कर रहे हैं। जरा भी ईमान नाम की चीज नहीं है इनमें। देखिए देखिए आपके सामने कैसे पेश आ रहे हैं। सर, हमारे FIR फाइल करने से पहले ही एक परसेंटेज फिक्स करके बाहर ही सेटलमेंट कर देते हैं सर। हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग डिपार्टमेंट में रहने के लायक नहीं है, इन्हें सस्पेंड कर दीजिए सर। क्या सर, हमारे लॉ के बारे में ये लोग ठीक से जानते भी नहीं है। एक IPS ऑफिसर को सस्पेंड करना मतलब एक PC को सस्पेंड करने जितना आसान नहीं है सर। सेंट्रल से कमेटी बुलवाई जाती है, इंक्वायरी होती है, गवाह और सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं सर। वो छोड़िए, मेरे बारे में किसी ने भी रिटर्न कंप्लेंट की है क्या? पूछिए सर। कोई कैसे कंप्लेंट करेगा सर? सुना है कि 801 नंबर की वैन है जिस पर यमदेव के रूप में इनकी फोटो लगी हुई है। जो कंप्लेंट लिखवाने आता है उसे ये फ्री में खाना खिलाते हैं और वो लौट जाता है। वो छोड़िए, हमारे ड्यूटी जोन के किसी ऑफिसर ने कंप्लेंट की है क्या? हमारे मानव सर का है। वो यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ हूँ सर। आपकी स्कोडा कितना माइलेज दे रही है? 1 लीटर में 14-15 किलोमीटर दे रही है सर। आपने नई कार ली है ये, उन्हें कैसे पता है? मेरे जन्मदिन पर साहब ने मुझे दी है। हमारे SI महेश कहाँ है सर? नया घर लिया और बुलाया भी नहीं। शिवरात्रि के दिन ही गृह प्रवेश रखा है सर। मैं आपको इन्विटेशन जरूर दूंगा सर। सबसे पहले DGP साहब को देना। उन्हें कैसे नहीं देंगे सर, जरूर दूंगा। देखा सर, ऐसे हम सब एक अंडरस्टैंडिंग में बिना किसी को तकलीफ दिए अपना काम किए जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब? मतलब सर सीरियसली, सिंसियरली, अच्छी तरह सोच समझ कर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, इस देवता के आने के बाद ही हम अंधेरे से निकलकर उजाले में आए हैं। सादे चावल के बदले अब बासमती चावल खा रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से एक प्रार्थना है, इस तरह की वेस्ट मीटिंग अरेंज करके हमारे DGP साहब का कीमती टाइम वेस्ट मत करो। हमारे DGP साहब कौन है? कौन है?
नजर आने वाले तीन शेर न्याय के, नीति के, धर्म के प्रतीक है। जो नजर न आने वाला चौथा शेर है वो है पुलिस। पुलिस 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 और पुलिस मतलब अग्नि। कमोन कमोन चलता है सर। गणेश, इसका यहाँ ट्रांसफर होकर आने के पीछे जो मकसद है वो कुछ और ही है। बेबी क्या कर रहे हो? देखिए सर जी, हमारे रुद्र भाई का जूठा खाना मतलब मेरे लिए भगवान के प्रसाद की तरह है। ये मेरे भगवान ही तो है। हेलो अंकल। हेलो अंकल। आइए नवाब साहब, आप ही की बात करनी है। हमारा विक्रम, इनका बेटा और इमरान भाई का भाई, इन तीनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर लड़की का रेप तो किया ही और ऊपर से पुलिस वालों को भी कुत्ते की तरह मारा। इस वजह से वो डीजीपी अग्नि इस केस को बहुत ही सीरियसली ले रहा है। क्या है ना कि इन तीनों को मेरे साथ थाने में भिजवा देंगे ना, तो थाने में कदम रखने से पहले ही बेल करवा के वापस ले आऊंगा मैं। रुद्र भाई, जवानी में ऐसा हो जाता है। वो तो होता ही, खून बहुत गर्म रहता है। ऊपर से अंकल होम मिनिस्टर हो ये सोचकर छोटी सी गलती कर देते हैं, और इतनी सी बात के लिए हमारे बच्चों को अंदर करके उन्हें रेपिस्ट साबित करना चाहते हो क्या? इसी के लिए तुझे होम मिनिस्टर बनाया है क्या? पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से कह रहा हूँ, इसी वक्त तुझे तेरी पत्नी से हटा दूंगा। इमरान, फोन दो मुझे। हटाएंगे क्या? और हटाने का फैसला भी कर लिया है ना। एक भक्त से इतनी बड़ी गलती हो गई है, ये जानकर उसे भुलाकर माफ करने के बजाय मेरी जिंदगी को उजाड़ने का फैसला ही कर लिया आपने। ठीक है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और इस वक्त उसका प्रायश्चित भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। सर, ए डीजीपी, वो कल रात कोई रेप वेप हुआ था उसकी कहानी सुना रहे थे ना, हमारे लड़कों ने रास्ते में एक छोटी सी पार्टी कर ली थी, उसके लिए तुम्हारे पुलिस वालों ने रुद्र भाई, वैसे वो पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे हैं, वो है कहाँ रुद्र भाई? सर, उस लड़की ने खुद ही कंप्लेंट दर्ज की है। उस लड़की ने कंप्लेंट वापस ले ली है? देख डीजीपी, मेरे बेटे को पॉलिटिकल लीडर बनाना मेरा सपना है। और सुन, उसके रास्ते में मत आना। आई वॉन्ट टॉलरेट। समझ में आई ना बात? आज की ये रात कितनी रोमांटिक है। मगर मेरी जिंदगी पिटी हुई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह लग रही है। ये कलरफुल कब बनेगी? इसी तरह बेकार खाली बैठकर पूरी जिंदगी में खालीपन महसूस होने लगता है सर। मैं तो कहता हूँ कहीं जाकर मस्त पार्टी करते हैं सर। मेरा फिलहाल पार्टी करने का कोई मूड नहीं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ अपनी रानी के बारे में, तुम्हारी भाभी के बारे में। उसे बुलाओ ना यहाँ पर। इतनी रात को इस समय भाभी को यहाँ बुलाना, ये कैसे मुमकिन होगा बॉस? प्रेस मीट बुलाओ। बिना किसी वजह के हम उन प्रेस वालों को कैसे बुला सकते हैं बॉस? एटीएम में दो चोर चोरी कर रहे थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, बोलकर बुलाओ। अब वो दो चोर हम उन्हें इस वक्त कहाँ से पकड़ कर लाएंगे बॉस? हेलो बॉस, बिना किसी को कुछ बताए अचानक ही इस तरह से आपने हमें ऑर्डर दे दिया कि प्रेस मीटिंग करनी है, क्या है सर? पहले ही आपकी वजह से हमारी इमेज डैमेज हो चुकी है। पांडे बॉस, ये डैमेज हुए इमेज के बारे में इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? एक काम करो बॉस, मस्त तेल लगाकर, मिर्च पाउडर लगाकर थोड़ा सा इन दोनों को मोटिवेट करो। बॉस, आपको पता है कल ही लौंग मिर्ची का फ्रेश स्टॉक अपने पास आया है और उसे पाउडर करके भी रखा है, लेकिन अगर आप बोलो तो एक बार उनसे पूछ लेते हैं। पूछो। सुनो भाई, क्या है भाई? तुम्हारे चेहरे नजर ना आए उसके लिए हम तुम्हारे चेहरे पर उसका लेप लगाएंगे, चलेगा क्या? अगर हमने लेप लगाने से मना किया तो आप हमें खाना खिलाने लगेंगे, इससे अच्छा है कि आप हमें नकाब ही पहना दीजिए। उपाध्यक्ष जी, कॉल प्रेस मीट। सर बात है, क्या पूछ रहा है? चल पीछे। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ संगीता जी को है। संगीता जी आइए आइए। पांडे बॉस, इस बदलाव की वजह क्या है? सिंपल है बॉस, परसों इनके एरिया में हमारे 801 में खाना खिलाने का प्रोग्राम हुआ। प्रेस वालों को भी ताजा ताजा खाना खिला दिया बॉस ने। चोरों के चेहरे से नकाब उतारेंगे क्या? ये नहीं हो सकता। नकाब उतारना है? ये नेता मंत्री लोग जो पूरे राज्य को लूट रहे हैं, उन लोगों को छोड़कर छोटा मोटा धंधा करने वाले हम जैसे शरीफ मेहनती लोगों को ये लोग पकड़ कर मार रहे हैं। ये क्या अध्यक्ष जी, आ
आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? ए, कैमरा चालू है, मुंह छुपा। आपने इन्हें कैसे पकड़ा, बताएंगे आप? ये लड़की हमेशा मुझे परेशान करके चली जाती है। इसका एड्रेस कौन देगा मुझे? वैसे भाभी अपना एड्रेस खुद तो देंगी नहीं, पुलिस का दिमाग यूज करके खुद पता करिए ना सर। ओ, ऐसा क्या? ए, कैमरा, क्या नाम है तेरा? संडे। संडे, ये कैसा अजीब नाम है बे? मैं संडे को पैदा हुआ ना, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम संडे रखा। संडे को तो छुट्टी होती है ना, तू कैसे पैदा हुआ? बात तो सही है, कैसे पैदा हुआ मैं? अरे वो सब तू बाद में सोचना, जरा अपने मैडम का एड्रेस तो बता। नहीं बताऊंगा। परसों 1 किलो सोना चुराने वाले चोर को पकड़कर अंदर डाला ना, उसमें से आधा किलो इस संडे को दे। हाउस नंबर 774 श्रीगंधा टाउन नागर भावी सेकंड स्टैंड बैंगलोर। घर में संगीता, संगीता की बहन गीता, जीताजी प्रताप उसकी बेटी है, सब साथ में रहते हैं। बहन गीता को पुलिस ऑफिसर बहुत पसंद है, इसलिए उनके पिताजी ने सिविल इंजीनियर प्रताप को एक ऑफिसर बताकर गीता बहन की शादी उनसे करवा दी। आप अगर जाकर मैं ACP हूँ कहेंगे तो संगीता का हाथ आपके हाथ में देकर गीता बहन फौरन आपकी शादी उनसे करवा देंगी। पांडे बस सर, मेरा सोना। उस दिन हमें चोर तो मिला था, लेकिन संडे था ना, इसलिए सोना पकड़ नहीं पाए। मेरा सोना चला गया। हेलो, तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो, मुझे पता है। उसी के लिए रखी ये प्रेस मीटिंग है, जानती हूँ। तुम कितने भी गेंदबाजी करके देख लो, ये रिपोर्टर संगीता बोल्ड नहीं होगी। गॉट इट? सिपाही हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? संगीता डार्लिंग, आप कौन हैं? लो सुनो, मैं आपकी बहन संगीता से प्यार करता हूँ। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे सामने खड़े होकर मेरी ही बहन से प्यार करते हो, ये कह रहे हो? तुम्हें तो मैं दीदी साहब ACP हैं। ACP हैं? जीजा जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए ना, बैठिए। साली साहिबा, इतने ब्यूटीफुल घर के अंदर इतना घटिया फर्नीचर रखा है। Change this faulty furniture! मेरी प्यारी संगीता की आंखें ये डब्बा टीवी देखती है, आप रखा डब्बा। चेंज कर दो, चेंज कर दो। इसका बस चले तो पति को भी चेंज करवा के मारेगी। चेंज कर दो ना। इस सोने जैसे गले में सिर्फ एक ही सोने की चेन है। छी 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 छी, छू अंदर। थैंक यू जीजू, वो हमारा एक और घर है ना, वहाँ पे भी। दीदी वो हमारे यूनिट में नहीं आता है, सॉरी। किसे धक्का मार कर जा रही है? हम कौन है पता है? पुलिस है। पुलिस? आप जैसे पुलिस को हमने किचन में खाना बनाने के लिए रखा है, पता है? पुलिस को खाना बनाने के लिए रखा है? वो ना मेरे पति है। आप खड़े क्यों हैं जीजा जी? बैठे ना, बैठे ना। अजी सुनते हैं। क्या हुआ जी? क्या भाई, ये यूनिफॉर्म पहन के बाहर घूमने फिरने में प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होता, बाहर भी होता है और अंदर तो और ज्यादा होता है। गीता, अंदर बहुत गर्मी हो रही है, ड्रेस उतार दूं क्या? मुझे भी ये मंगलसूत्र भारी भारी लग रहा है, इसे तोड़ के फेंक दूं क्या? दाल जल जाएगी, मैं जाता हूँ। जीजा जी, आपकी आंखें जिसे ढूंढ रही है ना, वो ना ऊपर है। मौसी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड आया है। दीदी, आपने इसे अंदर क्यों आने दिया? और तुम सीधे घर के अंदर ही आ गए। जाना, इन कपड़ों में भी तो लगती है नगीना। Get out! मुंह बंद कर अपना। जीजा जी पहली बार हमारे घर पर आए हैं और तू इस तरह से बातें कर रही है? जाकर उनसे थोड़ी प्यार भरी बातें करना। 11,000 वॉट का करंट लगा रे पांडे। बॉस, सुपर मिनट्स गोल्डन मोमेंट कैप्चर करना। यस बॉस। आर रेडी? स्माइल प्लीज। थोड़ा इधर उधर देख कर देखो ना भाभी जी, अगर वोल्टेज पड़ गया ना तो हमारे बॉस की बॉडी के हर हिस्से में झटके लगने शुरू हो जाएंगे। सीधी तरह से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहा है कहकर चैनल में दिखा के तुझे पुलिस डिपार्टमेंट से निकलवा दूंगी मैं। साली साहिबा, तू भला चैनल में क्या दिखाएगी? तेरे पास तो एक ही चैनल है, उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं और जीजू मिलके वीडियो शूट करेंगे और उस वीडियो के जरिए ये कहेंगे कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। और जब मैं इसके खिलाफ हुई तो तुम मुझे डेली टॉर्चर करने लग गई। मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कहूंगी और प्लीज और मैं रोऊंगी। फिर तुम क्या करोगी? दीदी, दीदी तो क्या, मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगी। जानवी, तू भी क्या नाटक करती हो? हाँ, नाटकबाज साली साहिबा। हाँ?
मैं आपकी बहन को रेस्टोरेंट ले जा सकता हूँ क्या? जी जा जी, अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाएंगे तो मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? लेकिन ये मेरी बात मानती ही कहाँ है? फैमिली के साथ तो चलना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट में भी यूनिफॉर्म पहना कर ले आई, कहाँ फंस गया मैं? ए पापा, नूडल्स दो। बेटा, पिताजी को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, इज्जत से बुलाना चाहिए। सॉरी अंकल। इट्स ओके। पापा, इज्जत में नूडल्स दो। क्या इज्जत दी है? जीजा जी, वो आपके पैर है ना, वो उसके पैर नहीं है, मेरे पैर है। संगीता, तू यहाँ पर ठीक से बैठ नहीं पा रही है, तू वहाँ जाकर बैठ ना। दीदी। थैंक यू साली जी। हे हाय, तुम यहाँ पर? ओ अच्छा। पुलिस अंकल, ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? ए, आप सोच क्या रहे? दे दीजिए ना, दीजिए ना। दे दो। आज पहली बार मेरा ऑटोग्राफ कोई ले रहा है, दिल बैठा जा रहा है। सुनिए ना, साथ में एक मस्त डायलॉग भी बोल दीजिए ना। डायलॉग? यह प्रताप सिंह किसी भी बड़े गुंडे या क्रिमिनल से नहीं डरता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हैं और 1 सूटकेस है। मिस्टर धनराज, धनराज, धनराज। अरे वाह मेरे सुपर हीरो। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू अनाउंस द मोस्ट विजिटिंग बेस्ट कपल ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड द अवार्ड गोज टू एसीपी सूर्या एंड मोस्ट ब्यूटीफुल संगीता। ये कैसे कह सकता है, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ ना। प्राइज मिल रहा है तो चुपचाप ले लेना। अरे रुक जा मेरी पटाखा। लव कर ले माहिया माहिया माहिया, लव कर ले माहिया, लव कर ले कर ले। ओ सुंदरी ना कर मुझे ऐसे इग्नोर, ओ सुंदरी लव है मेरा सच्चा शोर, ऑफर मेरा तू मान ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले, सुन ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले, सुन ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले, ओ सुंदरी सुन ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले। ओ सुंदरी ना कर मुझे ऐसे इग्नोर, ओ सुंदरी लव है मेरा सच्चा शोर। डार्लिंग तू ना हर करवा वेटिंग तू, आ दिल की कर ले सेटिंग तू, तू समझ भी ले फीलिंग, चल तू कॉफी दे चल शॉपिंग पे, तू तेरी हर विश करूंगा पूरी मैं, तुझे ऐश करा तू लाइफ, कैश करा तू आजा बना तू लाइफ तेरी मैं, ऑफर मेरा तू मान ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले, सुन ले, दिल का तू जोड़ ले, सुन ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले, ओ सुंदरी सुन ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले। ओ ओ बेबे, दिल को दे दे, क्यों तर पाती है मुझको, क्यों मुझको सताती तू, नखरे क्यों दिखाती तू, मेरा ड्रीम पूरा कर दे, मेरी तू लाइफ में आ जा रे।
का आया है सीजन, दो दिलों के मिलने का रीजन, मुझको देना और टेंशन, बेरुखी का नाते और पॉइजन, ना नखरे दिखा तू ना भाव, खा तू एक स्माइल प्यार से दे भी दे, मुझे दिल में बसा ले, आँखों में बसा ले, दिलों का कनेक्शन जोड़ भी ले, ऑफर मेरा तू मान ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले, ओ सुंदरी सुन ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले, ओ सुंदरी सुन ले, दिल का तू रिश्ता जोड़ ले। हाय बाय संपत, तू बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा? ए विकेट लेकर आ। हाँ ready? Hey, out! Yeah! Out! 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 Boss, out! 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 Pandey, boss, real estate मटका finance से हफ्ता time पर आ रहा है ना? सरकार की पगार तो लेट आ सकती है, लेकिन अपना हफ्ता तीन दिन पहले ही आ जाता है boss. हमारे zone में ऐसी कोई party है क्या जिस पर अब तक हमारी नजर नहीं पड़ी है? है ना boss? रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट रुद्र प्रताप जी। हमने वहाँ पर अब तक एंट्री क्यों नहीं मारी? उन्हें टच करना इतना आसान नहीं है सर। अच्छा बॉस, आज तक कोई पुलिस वाला उनके घर में तो क्या घर के गेट के पास तक नहीं जा पाया है। रुद्र प्रताप कोई आम आदमी नहीं है बॉस, स्टेट से लेके सेंट्रल तक भी जबरदस्त पहचान रखने वाला सूरमा है। ऐसी बात है तो एंट्री मारनी ही पड़ेगी। रिटायर्ड हुए पुलिस कांस्टेबल की तरह उतर रहा है। एसीपी हो यार, रॉब तो दिखाओ। रुद्र प्रताप की जय। रुद्र प्रताप की जय। रुद्र प्रताप की जय। सर एसीपी सूर्या आपका फैन हूँ सर। फैन? आपको अपना आदर्श मानकर बचपन से ही अगर कुछ बनना है तो आप जैसा ही बनना है, ये मेरा सपना रहा है, तो मैं आपका फैन ही हुआ ना सर। तुझे पता है इन 20 सालों में मुझे टच करने वाला पहला ऑफिसर है तू। सर कॉमेडी मत कीजिए सर, मैंने कब आपको टच किया? ए, टच किया ना मेरे पैरों को। सर फैन होने के नाते आपका पैर छूने का अधिकार मुझे नहीं है क्या? बिल्कुल है सूर्या, तू आज से सिर्फ एसीपी नहीं है, इस रुद्र प्रताप का फैन एसीपी सूर्या। थैंक यू सर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, ये लीजिए। थैंक यू। चलूं क्या चाचा? चाचा तुम हार और बुके लेकर आई हो ना? सर आपको हमारे फंक्शन में आना ही पड़ेगा। तुम लोगों में से ही किसी की शादी हुई है क्या? मुंह बंद कर काले कौवे। हमारे इनॉग्रेशन में रिबन काटने के लिए आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बॉस डबल मीनिंग में बात करिए, मत मानिए मत मानिए बॉस। सर प्लीज मना मत कीजिए, हमारी ओपनिंग आपको ही करनी होगी। क्या फंक्शन है वो ठीक से बताओ। सर वो टॉयलेट है सर। टॉयलेट? देखिए जेंट्स के लिए टॉयलेट बने हैं, लेडीज के लिए भी टॉयलेट बने हैं सर, लेकिन हमारे लिए नहीं है इसलिए हमने बनवाए हैं। हमारे सरकार को कभी न सूझा हुआ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया आपको सूझा है। तो इसे आपस में ही छुपाना बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। सर इसलिए इसे दुनिया को बताना चाहिए, हमें बुलानी होगी प्रेस मीट। इतना अच्छा आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? लेडीज टॉयलेट में जाते हैं तो हमें जेंट्स कहकर भगा देते हैं। जेंट्स टॉयलेट में जाते हैं तो मुएमा वाली हमें बाहर ही नहीं निकलने देते, इसीलिए इस टेंशन से मुक्त होने के लिए हम सबों ने मिलकर हमारी जाति के लिए हम लोगों ने टॉयलेट बनवाया है। शुक्रिया। अगर किसी को अंदर आकर देखना है तो आइए दिखाती हूँ। ह
हैप्पी बर्थडे। ओह, इसका है, मुझे लगा तुम्हारा बर्थडे है। एनीवेज, हेलो सर, मेरा नाम माधव है। मेरी ये बेटी ना ही बोल सकती है और ना ही सुन सकती है सर, उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं। ये बच्चे भी उसी की तरह फिजिकली चैलेंज्ड है। इन बच्चों को इसने गोद लिया हुआ है। ये बच्चे भी उसकी तरह आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी बसर करे, इसलिए वो अपने खुद के पैसों से उन्हें पढ़ा रही है सर। यहाँ के सभी बच्चों के बर्थडे को वो अपना ही बर्थडे समझकर मनाती रहती है सर। ये बच्चे ही उसकी खुशियाँ हैं सर, और ये बच्चे ही उसकी दुनिया है। बॉस, क्या हुआ बॉस? दुख के या खुशी के आंसू है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपने आंखों में भी आंसू आते हैं ये आज ही पता चला। ये मैं अपनी बहन को दूंगा। हाले हाले तू बन गया बेलिया, तू मेरे जीने की वजह, मेरे जीने के लिए जरूरी हो गया सामने रहना तेरा। मेरा आज है तू ही, मेरा कल भी तू ही, मेरी जिंदगी है तू ही माहिरे, हर पल चाह तेरी, हर पल रक्स तेरा, तेरी हर ख्वाहिश अब मेरी। तेरे बिन मेरा वजूद है तुझसे, मेरी खुशियां हैं ये, दुनिया है ये तेरे होने से। हौले हौले तू बन गया पहेलिया, तू मेरे जीने की वजह, मेरे जीने के लिए जरूरी हो गया सामने रहना तेरा। तू ही मेरा कल भी तू ही, मेरी जिंदगी है तू ही माहिरे। जब ऐसे हो तुम मिले, जीने के बहाने हैं मिले, मंजिल बने अब नए रास्ते। जिस दिन ना मुझे देखो ना तुम, उस दिन रहे तन्हा से हम, रहे खफा खफा से आपसे। शिकवा गिला न करना तू, रहना सदा तू दिल में मेरे, खफा न होना कभी तू किसी बात पे। हौले हौले तू बन गया पहेलिया, तू मेरे जीने की वजह, मेरे जीने के लिए जरूरी हो गया सामने रहना तेरा। तू ही मेरा कल भी तू ही, मेरी जिंदगी है तू ही माहिरे, माहिरे, माहिरे। तेरे मेरे बीच में कहाँ जा रही हो? क्यों? बस ऐसे ही थोड़ा। मेरे दिल में रहने वाले उस सूर्या को आज मैं अपने दिल की बात उसे बाहों में भरकर बताऊंगी, आई लव यू कहूंगी।
बीच में तुम लोग कौवे की तरह चोंच क्यों मार रहे हो मुचंडो? अपना काम करो। बीच में हम लोग नहीं आ रहे हैं, तुम आ रही हो। वो कैसे? हमारे बॉस के ट्रैक पर सिर्फ संगीता मैडम ही गाड़ी चला सकती है। तुम्हारी तरह खटारा माल गाड़ी को तो एंट्री भी नहीं मिलेगी। आखिर कौन है ये संगीता मैडम? वो सूरज है तो मैं बसंती हूँ। बीच में ये गीता संगीता आकर हमारे प्यार को अलग नहीं कर सकती। वो सूर्य की किरण तो इस गुलाब के फूल पर ही पड़ने वाली है। अरे फूल तू कह रही है, तुझे तो खुद ही नहीं पता है कि तू औरत है या मर्द, ऐसे में तू बॉस को प्रपोज करेगी? अरे समझा यार इसे। मुंह बंद करो, आज मैं फैसला करके ही रहूंगी। थैंक यू। सूर्य तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? क्या हुआ? बसंती, मैं संगीता से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी इतनी आसानी से कह दिया सूर्या? मैं तुमसे मिलकर ढेर सारी प्यार की बातें करूंगी सोच कर आई थी। अपने प्यार की निशानी के तौर पर इसे रख लो। मुझे बहुत रोना आ रहा है लेकिन मैं रो नहीं सकती, दुखी किन्नर का श्राप लगता है। देखो मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, तुम्हारा हर सपना पूरा हो, यही मेरी भगवान से दुआ है। लगता है बारिश होने वाली है। अब ये जिंदगी तुम्हारे नाम के सहारे किसी तरह काट लूंगी। तुम्हारी यादें और ये मुई बारिश, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी नाक, तुम्हारी मुछे, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी धड़कन और ब्लू कलर का तुम्हारा ये सनग्लास, तुम्हारे अंदर भरी हुई मर्दानगी का ये तुम्हारा जोश, सब कुछ मिक्स होकर कॉकटेल दारू की तरह मेरी जिंदगी में नासूर बनकर कब तक मेरे दिल को जलाएगा पता नहीं। बारिश और तेज हो रही है, चलो जल्दी, देर हो रही है। ये बारिश भी मेरे साथ 420 का गेम खेल रही है, ये वक्त वक्त पर सबकी मारती है और सॉरी जवान फिसल गई, मतलब डुबो देती है। खैर मिस्टर सूर्या, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार के मामले में जो मेरे दिल के दरवाजे बंद थे उसे तुम ही ने खोला। तुम मेरे दिल के देवता हो सूर्या, मेरे देवता हो। ए बसंती, पागलों जैसी बात मत करो, चलो जल्दी उठो। नहीं नहीं, नहीं मुझे हाथ मत लगाना देवता, हाथ मत लगाना। एक बार तुमने मुझे छुआ तो मुझे इस तरह तुमसे प्यार हो गया, अगर दोबारा छुओगे तो कहीं मैं मां न बन जाऊं। तुम यहां से जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ सूर्या। मेरी उस सौतन रिपोर्टर संगीता से शादी करके तुम हैप्पी जिंदगी जियो। जाओ, बाय। दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा क्या लूट गया। यस सर। देखा गणेश, सामान्य लोगों की रक्षा करके पूरे समाज में गंदगी फैलाने वाले अपराधियों को हम सजा देते आ रहे हैं, और आज वही लोग समाज को लूटकर गैर कानूनी ढंग से बनाए गए उस रुद्र प्रताप के आरपी क्लब के इनॉग्रेशन के दिन हमें सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया है। ये हमारे होम मिनिस्टर का ऑर्डर है। दिस इज द फेट ऑफ पुलिस। देखा डीजीपी, आज इस इलीगल ढंग से बनी प्रॉपर्टी को लीगली सिक्योरिटी दे रही है तुम्हारी पुलिस। इसे ही रुद्र प्रताप की पावर कहते हैं। इतना खुश मत हो रुद्र प्रताप, वक्त आने दो, पुलिस की पावर का भी तुम्हें पता चल जाएगा। इतना होने के बाद भी मुझे अरेस्ट करने का सपना देख रहे हो डीजीपी? पॉजिटिव एटीट्यूड। वैसे इस रुद्र प्रताप क्लब ओपनिंग सेरेमनी का चीफ गेस्ट कौन है जानते हो? चीफ गेस्ट को देखकर शॉक लगा ना, वो कोई और नहीं अपना ही है, द मोस्ट करप्टेड ऑफिसर एसीपी सूर्या, सन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ऑफिसर डीजीपी अग्नि। तुम्हारा अपना ही खून, तुम्हारा अपना बेटा। Oh,
मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बेटे। नहीं, जो रिश्ता सालों पहले खत्म हो गया दोबारा उसकी याद मत दिलाइए। इस डिपार्टमेंट के लिए आप एक हीरो और आपके लिए मैं विलन हूं। आपके हर काम में मैं टांग अड़ाता रहूंगा। जानना चाहते हैं क्यों? जल्द ही जान जाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। सर गुड मॉर्निंग सर। सूर्य कहाँ है? सर साहब वो उनकी बहन जिद कर रही थी इसलिए छुट्टी लेकर वंडरलैंड गए हैं सर। बहन? सूर्य पांडे ऑफिशियली आज मैं छुट्टी पर हूँ। अगर डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई भी काम हो तो मैं कल आकर मिलूंगा। कह दो डीजीपी साहब से। मैं यहाँ डीजीपी बनकर नहीं आया हूँ, तुम्हारा पिता बनकर आया हूँ। मैं छोटा था तब मेरी माँ और मेरी बहन को मुझसे दूर करके मेरी खुशियां मुझसे छीन ली। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। अब दोबारा मेरे बाप बनकर मेरी बची खुची खुशियां भी मुझसे छीनना चाहते हो? चले जाइए। सूर्य प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो, मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दो। मेरे सारे दोस्त उनके बाप के साथ साइकिल चलाते थे, पटाखे चलाते थे, गणपति बिठाते थे, लेकिन मैं बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह जिया। अब कौन सा मुंह लेकर आप यहां पर आए हैं? चले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज यहां से चले जाइए। सूर्या मेरी बात तो सुनो। पांडे सर लगता है साहब को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही है, जरा इनसे कहो यहां से चले जाए। साहब के वो पापा है। पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया था कि मनविता जैसी मुझे बहन मिली। इनकी छाया पड़ने से कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, चलो यहाँ से। पांडे। यस सर। मनविता को बाद में घर छोड़ाना। ओके सर। बोलो मनविता। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू क्या मुझे उस आदमी के साथ बात नहीं करनी है। अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे ना? मिल लिया ना? तेरी बहन की। ए, तेरी? हेलो सुनो, पुलिस को सिर्फ गालियां देना आता है ऐसा समझ रही हो? तेरी बहन की इजाजत है, तेरे जीजा की भी इजाजत है, अब तुम भी इजाजत दे दोगी तो पैलेस ग्राउंड में धूमधाम से शादी करके गवर्नमेंट से छुट्टी लेके फॉरेन में कहीं हनीमून पर चलेंगे, क्या कहती हो? मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला घोटकर हमेशा के लिए जेल चली जाऊं। क्या कहते हो? सिपाहियों बॉस, मेरी पटाखा जब गुस्से से बात करती है तो और भी हसीन लगती है। ए सुन रहे मेरी पटाखा? जा रहे। ए पांडे बॉस, मेरी पटाखा का गुस्सा देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसके किसी के साथ? ऐसा मत कहिए बॉस, हमारी संगीता मैडम का कुल देखिए, गोत्र देखिए, हमारी मैडम 24 कैरेट गोल्ड है सर। हाँ तुमने सही बोला, मेरा किसी से लफड़ा चल रहा है। ए, मुझे रिएक्शन देना चाहिए, ऐसे में तुम लोग रॉन्ग रिएक्शन क्यों दे रहे हो? कौन है रे वो मजनू की औलाद? नहीं बताऊंगी। अगर तुम बता दोगी कि वो कौन है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वो सामने है। स्मेलिंग स्टार सुभाष, माय लव, 3 महीने पहले। दिस इज माय लव स्टोरी, समझ गए ना?
बाय। सिपाही हूँ, इसका बायोडाटा क्या है? पहले ये फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता था बॉस, जमीनों का अभाव बढ़ते ही अपने दादा की जमीनें थोड़ी थोड़ी बेचकर 6 फिल्में बना दी। अपने पैसे से टिकट खरीद कर कोई भी इसकी फिल्म नहीं देखता है बॉस, लेकिन ये खुद पैसे देकर सबको फिल्में दिखाता है और उसका बदन बदबूदार है। इसी चीज को हाईलाइट करके स्मेलिंग स्टार नाम रखा है अपना। तबीयत ठीक है ना? ये उसका फेमस डायलॉग है। अटैक! तबीयत तो ठीक है ना? कट इट, शॉट ओके है, उन फाइटर्स को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। डायरेक्टर सर, मैं रोज रोज ये एक्शन मार धार दंगा फसाद ये सब करके बोर हो गया हूँ। तुम लोग कुछ नया क्रिएट क्यों नहीं करते? क्या नया सर? रेन इफेक्ट में इंटेंस सीन मिक्स करके रोमांटिक माहौल बनाकर लिप टू लिप लिप लॉक करवाओ ना। ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया नहीं और इसने उल्टी कर दी। इमेजिनेशन ही बहुत है उल्टी करने के लिए। मेरे टैलेंट को निचोड़ कर निकालने वाला इंडिया में एक भी डायरेक्टर नहीं है। हॉलीवुड से ही किसी को बुलाना पड़ेगा। अबे तेरी बदबू से लोग यही मरे जा रहे हैं और तू हॉलीवुड की बात कर रहा है? साले तू मेरी आर्ट का कचरा कर रहा है। सुनाओ सर, ये खुशबू आप एसीपी साहब को सुनाइए। हाँ बेटा बोल, कैसे आना हुआ? सर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मुझसे बचने के लिए आपसे प्यार करती है ऐसा कह रही है। अगर आप नहीं करते ऐसा कंफर्म हो गया तो फिर मैं कंटिन्यू करूं। लाखों लड़कियां मुझसे मिलने का, मुझसे प्यार करने का सपना आंखों में लिए बैठी हैं। पुअर क्रेजी गर्ल्स। लेकिन तुम्हारी वाली कौन है? आई डोंट नो बॉस। चिरकुट ये देख। खोए से दिन है ये जागी सी रातें, हर लम्हा होती ख्यालों में ही बातें। खुद में रहा ना मैं मिलके मैं तुमसे, रहने लगे तुम ही हर लम्हा मुझ में। पाया है मैंने तुम्हें दुनिया। इस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। मेरी आइटम से तू क्यों प्यार कर रहा है? सब बोल दो गणेशा। बॉस बॉस बॉस, कूल डाउन कूल डाउन। मिस्टर स्मेलिंग स्टार, एक बार फिर से सोच लो। सेक्शन 801 के तहत आप सीधा यमदेव को ललकार रहे हैं। चाहे यमदेव मुझे कच 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 करके काट के फेंक डाले, लेकिन मैं इस मामले में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सुंदरी मेरी राजकुमारी है। हैप्पी बर्थडे सर। वो मनोज दिन तो कल है ना? नहीं सर, कल आपका पूरा दिन 801 में ही निकल गया। मतलब पूरा डे नाइट मुझे धोया। सर, आप एक स्टार के साथ बड़े ही गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। मेरे फैन को पता चला ना तो पूरा देश हिला के रख देंगे वो। इसे थोड़ा फुलाएंगे आप? ओके। ए यूथ स्टार, हवा उसमें इंस्टॉलमेंट में भरेगा क्या? मैं खाना जो है ना इंस्टॉलमेंट में ही खा रहा हूँ और डाइटिंग करके 7-pack बना रहा हूँ, इसीलिए हवा भी इंस्टॉलमेंट में ही जाएगी ना सर। कौन है, कौन है जो ये कह रहा है कि मेरी बहन से प्यार करता है? ये है काउबॉय कालिया। हेलो, ये है? आप भी इसके बिरादरी वाले? क्यों रे बुढ़ऊ, दिखने में तो तू चूसे हुए आम की गुठली की तरह लग रहा है और तुझे मेरी खूबसूरत बहन से शादी करनी है? तुझे तो मैं 1 minute, no बुढ़ापा, only young, is this okay? Smelling star Subhash! सर, आप हैं क्या? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या डायलॉग मारते हैं आप, मैं तो दीवानी हूँ आपकी। हाँ अच्छा, देखी मेरी इमेज? हाय सुबह डार्लिंग। हाँ एकदम रसमलाई है। टेक दिस डार्लिंग। स्मेलिंग स्टार की स्मेल बर्दाश्त ना करने वाली तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? मेरा अपमान करना या मेरे स्मेल का अपमान करना एक ही बात है। आई हेट यू, आई हेट यू। सॉरी सुभाष, डस्ट एलर्जी है। मैं तुम्हें ना अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं भी अपनी स्मेल से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। खुद को क्या पिटवाया है सर, बहुत सॉलिड, आप सच में सुपर हीरो हैं। चुप कर बोल बचनी, सुपर हीरो बोल कर मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। अरे मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता, मेरी उम्र का और इसकी उम्र का है। ये परी एसीपी की दुलारी है। हाँ, मिल गया।
मेरी अगली फिल्म का टाइटल मिल गया, परी मेरी दुलारी, परी मेरी दुलारी। ये मेंटल तो नहीं हो गया? सुभाष जाने मन, अब तेरा नाटक नहीं चलेगा। मान लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम जैसे बेईमान पुलिस वाले से मैं तो क्या कोई भी लड़की प्यार नहीं करेगी। खाकी वर्दी के लायक ही नहीं हो। पुलिस ऑफिसर मतलब सिंसियर होना चाहिए, कड़क होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन तुम सिपाही हो बॉस। कड़क और ईमानदार पुलिस ऑफिसर कैसे होते हैं बॉस? वो देखिए। यू ब्लडी रैट। इसकी मार इससे पहले तूने कभी नहीं चखी होगी। द मोस्ट पावरफुल बेल्ट ऑफ देम ऑल, द पुलिस बेल्ट। या मैं ही पुलिस हूँ और मैं ही दादा। भारतीय नारी आ गई है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तन 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 तन। फिल्म स्टार को कॉपी करने से तुम्हारे अंदर ना ही सीरियसनेस आएगी और ना ही तुम सुधरोगे। ए, असली जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती। तुम एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हो। आई हेट यू, आई हेट योर कैरेक्टर, आई हेट योर एटीट्यूड। हेलो स्टॉप इट। रुक, चल आजा मेरे साथ। फुटबॉल आजा। कुछ दिन पहले एक सॉफ्टवेयर लड़की की मौत हुई, ये खबर आपने तो सुनी ही होगी। और उस हादसे की जगह पर हमें एक कार का नंबर प्लेट मिला है। ये नंबर आपके बेटे के नाम पर है और आपके ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सो आप दोनों को एक बार पुलिस स्टेशन चलना होगा। टोनी, भाग क्यों रहा है? बड़े लोगों से कैसे बिहेव करना चाहिए नहीं जानता है क्या? लगता है बहुत चर्बी चढ़ी है। चार दिन भूखा प्यासा रखकर जमकर पीटने से सब ठीक हो जाएगा। कुत्ते की बात कर रहा था। कार खोने की कंप्लेंट लिखाई थी ना आपने? बड़ी मुश्किल से ढूंढा सर, कार तो किसी तरह से मिल गई सर, बट वन थिंग सर, उस कार की नंबर प्लेट नहीं मिली। वो नंबर प्लेट डीजीपी साहब को मिली है। अच्छा। ऐसे भी हमारे डीजीपी साहब की तरह काम करने की कोशिश करते रहता हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मिस हो जाता है सर। खैर, कहाँ है नंबर प्लेट? लाइए सर, अभी एक स्टेटमेंट दे देंगे तो कार का टेंशन खत्म हो जाएगा। केस क्लोज। ए डीजीपी, तू मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाएगा? मेरे सामने पुलिस सर उठाकर ऊंची आवाज में बात करती है तो मेरे पूरे तन बदन में आग लग जाती है, खून खौलता है मेरा। बिकॉज आई हेट पुलिस। मिस्टर सूर्या, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप जानते हैं? रहने दीजिए सर, आप अपने डीजीपी के साथ मिलकर न्याय नीति धर्म की मुझे कहानी ना सुनाइए। सर, आपके डीजीपी साहब ड्यूटी के वक्त उनके घर वाले मरते भी होंगे तो भी केयर नहीं करते। मेरी बात मानिए, जितनी जल्दी हो सके शाणा बनिए और रिटायर होने से पहले ढेर सारे पैसे कमाइए, भरपूर प्रॉपर्टी बनाइए सर, सेटल हो जाइए। ये सब कौन है जानते हो? ये ना ही लोगों को धोखा देकर उन्हें लूटने वाले पॉलिटिशियंस हैं और ना ही क्राइम करने वाले क्रिमिनल, देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले द
मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर। ₹100 लेकर गाड़ी छोड़ने वाली पुलिस, ₹1000 लेकर केस क्लोज करने वाली पुलिस गली गली में मिलती है, लेकिन सिंसियरली काम करके डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान देने वाली पुलिस लाखों में एक ही होती है। रिश्वत लेकर बेईमानों की तरह 60 साल जीने से अच्छा है एक ईमानदार पुलिस की तरह सिर्फ एक दिन जीना। हर एक पुलिस वाले के बैच के पीछे एक दिल होता है, और उस दिल में माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, बीवी बच्चे, यार दोस्त, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। उनके साथ हमारा एक अनमोल रिश्ता बना होता है। उस रिश्ते को भुलाकर, दिल पर पत्थर रखकर, अपने कर्तव्य को भगवान मानकर ड्यूटी पर शहीद हुए वीर हैं ये, देशभक्त हैं। इन तस्वीरों के बीच मेरी तस्वीर कब लगेगी ये सोचकर हर दिन, हर घड़ी, हर पल मैं गर्व से उस दिन का इंतजार। तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार मैं हूं ये सोचकर नफरत करते हो ना? तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ एक मां ही थी, लेकिन मेरे लिए तो वो सब कुछ थी। तुम्हें क्या पता, अपनी पत्नी को खोकर बेटे से दूर रहकर हर घड़ी हर दिन तड़पता रहता हूं मैं। तुम्हारी मां को बचाने से ज्यादा आंखों के सामने हो रहे अन्याय को रोकना मेरा पहला कर्तव्य बन चुका था। वो मेरा फैसला नहीं था, मेरे शरीर से लिपट हुई इस वर्दी का आदेश था। I will act with honesty, courtesy and regards for welfare of others and will endeavor to develop the spirit of the corps, कहकर प्रतिज्ञा लेने वाले हर पुलिस ऑफिसर के लिए ड्यूटी फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट। लेकिन तुम मुझसे बदला लेने के लिए उस रुद्र प्रताप का सपोर्ट कर रहे हो। ये केस एक मासूम लड़की का है, लेकिन वो लड़की कौन है ये तुम जानते हो? में से किसने मारा जानते हो? कैसे मारा ये पता है तुम्हें? हेल्प, हेल्प, कोई मदद करो, छोड़ो मुझे। भागो बेटी, भागो, चलो जल्दी। जब कोमा से बाहर आए तब उन्होंने हमें बताया, तभी हमें पता चला कि मरने वाली लड़की मनविता है। रास्ते पर जब कोई मरने की स्थिति में भी पड़ा हो तो उसे छोड़कर चुपचाप चले जाने वाला बहादुर नहीं, कायर होता है। लेकिन वो लड़की एक स्पेशल चाइल्ड होते हुए भी और लड़कियों की जान बचाने की कोशिश में इन दरिंदों के हाथों बेरहमी से मारी गई, और वो रुद्र प्रताप अपनी ताकत के बल पर अपने बेटे और उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो, लेकिन तुम जिसे अपनी बहन मानते थे ना सूर्या, तो एक भाई होने के नाते आज तुम उस मासूम बच्ची को न्याय दिलाओगे या नहीं दिलाओगे, ये खुद डिसाइड करो। Oh!
उन लोगों से मुझे बचा लीजिए। अरे कुछ नहीं करेगा वो हमारे भाई का चमचा है चमचा। जिस तरह से हम कुत्ते को हड्डी डालकर पालते हैं ना, उसी तरह हम इसे पैसे देकर पाल रहे हैं। दो चार नोट की गड्डी फेंकेंगे और उसे सूंघता हुआ चला जाएगा ये। इसे ले ले और निकल ले। जाओ लेकर आओ उस बुड्ढे को। सर। स्पीकिंग। तो बदल गया क्या? सरकार की दी हुई रोटी तोड़ने के बजाय मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरे आगे पीछे तुम हिलाएगा तो खुश रहेगा, और उड़ने की कोशिश की तो पेपर में तेरा नाम, टीवी में तेरी न्यूज आ जाएगी कि रुद्र प्रताप से पंगा लिया इसलिए इतनी छोटी सी उम्र में ही ये शमशान पहुंच गया। तेरा नाता सफेद खाती वालों से है, सोचकर आवाज ऊंची करके लंबे लंबे डायलॉग मत मार। अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर। आज के बाद मौत तेरे इर्द गिर्द वाईफाई की तरह मंडराती रहेगी। बड़ी ईमानदारी की बात कर रहा है ना, तुझे खाक में मिला दूंगा। जब एक टेढ़ा सीधा हो जाता है तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है ब्लडी फोन। अगर मुझसे टकराएगा तो मेरी रफ्तार में तू धूल की तरह उड़ जाएगा। अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर तो दो दिन और जी सकेगा, वरना आज ही तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। मेरे बारे में तू ठीक से जानता नहीं इसलिए इतना बोल रहा है। मत पता, तेरा बायोडेटा मुझे मत पता, क्योंकि सुनकर मेरा खून खौलता है। आज तेरी जितनी भी इच्छाएं पूरी कर ले। आज तेरा और तेरे बेटे का लास्ट हैप्पीएस्ट डे है। कल से टॉयलेट में चैन से दो मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। अब से तुम लोगों की जान मेरे हाथ में है। काउंट योर डेज। पुलिस वालों के साथ खेलना तुझे बच्चों का खेल लगता है ना? इतने दिन तेरा पाला किसी सिर फिरे पुलिस वाले से नहीं पड़ा था। अब मैं आ गया हूँ तुझे चोर पुलिस का असली खेल सिखाने। आ जा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। सूर्या ने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, उसे सच मान बैठा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। नए कपड़े। सूर्या, इतने चुप क्यों हो? इसके पापा गणपति लाएंगे कहकर गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए। अरे तो क्या हुआ, मैं अभी लेकर आता हूँ। अभी जाकर लेकर आता हूँ। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। पापा नहीं, चाचा लाए हैं। मुझे गणपति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे रे रे, ओहो, चोट लग गई बेटा। साइकिल सीखते समय अगली बार अपने पापा को साथ में लाना, ठीक है? लाख कोशिश के बाद भी
मैं तुम लोगों को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। साहब, आपका भाई सबको बहुत परेशान कर रहा है। आपके भाई को आप खुद ही शह दे रहे बोलकर सभी लोग भड़के हुए हैं सर। आप पुलिस वाले हैं और आपका भाई एक चोर है। आपके भाई रुद्र प्रताप को आप समझाएंगे या हम ही लोग मिलकर उसे समझा दें? देखिए, मेरा जी घबरा रहा है। आप एक दिन काम से छुट्टी ले लीजिए। खबर मिली है कि रुद्र प्रताप किसी को बांध कर पीट रहा है। मैं जरा देख कर आता हूँ। क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा चले गए ना, इसलिए। ये लो। सूर्या, दादी, दादी। अग्नि, आखिर तूने बता दिया ना, एक सौतेला भाई सौतेला ही होता है। भाई, बाप, दोस्त, रिश्तेदार, चाहे कोई भी गुनाह करे, बचेगा नहीं। अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया तो उसे भी जेल में बंद कर दूंगा। हेलो, पापा को फोन दो। मेरे लिए ड्यूटी फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट। बेल ऑर्डर। ध्यान से सुन, यही आखिरी है। आज के बाद ये रुद्र प्रताप इस थाने में पैर नहीं रखेगा और इस रुद्र प्रताप के घर में भी किसी पुलिस वाले को पैर नहीं रखने दूंगा। मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाने वाले तेरे इन हाथों से सैल्यूट करवाऊंगा, ये जान ले। तेरा पापा हमेशा काम 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 ही करता रहता है। अगर उस दिन घर पे रहता तो तेरी माँ और बहन दोनों मर जाते बेटा। माफी तुझे नहीं मांगनी चाहिए बेटा, मुझे मांगनी चाहिए। नहीं पापा, मैं आपको ठीक से समझ नहीं पाया। पापा, आप सच में मेरे हीरो हैं। आप ही मेरे हीरो हैं पापा, मेरे हीरो हैं। I'm sorry पापा। बोलो पांडे। रुद्र प्रताप के आदमी को छुड़ाने के लिए वकील आए हैं सर। नंबर एक, नंबर दो। सर, बेल। हाँ? बेल ऑर्डर है सर। ये है बेल पूछने का तरीका। छोड़ने में देर हुई, इसलिए हमारे लेडी पुलिस के साथ असभ्य व्यवहार किया। सर, हमने कहा किया? ये लीजिए बेल, हमारे आदमियों को छोड़ दो। चलिए चलिए सिपाहियों। यस बॉस। ये सब क्या है सर? जल्दी छोड़ा नहीं, इसलिए हमारे अफसरों को फिल्मी अंदाज में पीट कर टॉर्चर करते हो। हाँ, हमने कब किया? एसीपी, बेल लेकर आते हैं तो हवालात में डालता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, थाने के अंदर आएंगे तो तू बंद कर देगा। बेल के पेपर तुझे यहीं दूंगा और सबको वापस यहाँ से लेकर जाऊंगा। अटेंशन। यस। रिहा करने में देर हो गई, इसलिए हमारे थाने में तोड़फोड़ करोगे?
पास होम मिनिस्टर लाइन पर है। हेलो, चाहे होम हो या सीएम हो, बात एक ही है, यहाँ अंदर पड़े हुए कमीनों को जो भी रोटी कपड़ा मकान पगार देकर संभालता है उसका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ लेकर आधे घंटे में यहाँ पर आ जाओ। अगर कोई दोबारा उन्हें छुड़ाने बेल के पेपर लेकर आया ना, तो यहाँ होगा रिपीट शो। ये मुझे होम मिनिस्टर की जगह होम गार्ड समझ रहा है क्या? इससे तो मैं अभी रुद्र भाई। 20 सालों से रुद्र प्रताप ने थाने में कदम नहीं रखा था ना, अब 20 मिनट में वो यहाँ होगा। नमस्कार गृह मंत्री जी। आईडी कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, और वो मेरे आदमी हैं, छोड़ दो उन्हें। 20 सालों के बाद आप थाने में आए हैं, क्या लेंगे साहब जी? कॉफी, टी, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, बूस्ट, एनीथिंग? अरे हमें तुम्हारी कॉफी टी कुछ नहीं चाहिए, धूप में ऑलरेडी तप कर आ रहे हैं। हाँ अगर नारियल पानी पिलाओगे तो अच्छा लगेगा। क्यों रुद्र भाई, अपनी मेहमान नवाजी रहने दे और पहले हमारे आदमी को छोड़। हम बाहर नहीं आएंगे सर, हम बाहर आए ना तो बस ये एसीपी साहब नया ड्रामा शुरू करके हमें वापस अंदर करके हमारी धुलाई करेंगे सर, हम बाहर नहीं आएंगे। ना मत कहीं के, जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर इसका इरादा बदल गया ना तो फिर तो कोई नया खेल शुरू कर देगा ये। अरे चलिए रुद्र भाई, आधे घंटे में इसका ट्रांसफर ही करवा देता हूँ मैं। तुम बाप बेटे की प्रॉब्लम क्या है? मेरे बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस गूंगी को मार डाला और ये बात साबित करने के लिए सबूत ढूंढकर कोर्ट में पेश करना होगा। इस केस की जांच करने और जज के जजमेंट देने से पहले मैं अपने बेटे को ले जाकर पार्लियामेंट में बिठा दूंगा। पॉलिटिशियन का मतलब जानता है तू? पॉलिटिशियन का मतलब किंग। तो जैसे हजारों पुलिस वाले मुझे हर दिन सैल्यूट करते हैं, पॉलिटिशियन का मतलब लीडर। हम जो कहें वही कानून है। पॉलिटिशियंस मतलब मैजिशियन। गायब, गायब कर दूंगा। मिनिस्टर, इसका यहाँ से ट्रांसफर नहीं करना, मेरे दरबार में ही रहेगा। एएसपी, मैं तुझे एक हफ्ते का वक्त देता हूँ, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे बेटे और उसके दोस्तों को अरेस्ट करके दिखा। एक हफ्ता ट्राई कर। एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 दिन ही काफी हैं। तेरे सामने खड़े रहकर तेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी मूंछों पर ताव देने वाला कोई भी पुलिस ऑफिसर इस राज्य में नहीं है, यही कहा था ना? देखा गया मेरा शेर बेटा। वेल डन माय बॉय। थैंक यू पापा। पापा नहीं सर, ड्यूटी फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट। यस सर। अगर आप कुछ देर पहले आए होते तो आपको एक हॉट न्यूज मिल जाती और वो भी लाइव। मैं एकदम सही समय पे आई हूँ, हम यहाँ ऑफिशियल न्यूज के लिए नहीं, पर्सनल न्यूज के लिए आए हैं बस। प्रेस वाले पुलिस वालों को सिर्फ ऑफिशियल नजरों से देखते हैं, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है वो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ही ये प्रेस मीटिंग बुलाई है। देखिए मैडम, पर्सनल लाइफ को पब्लिक इशू बनाने के लिए हम प्रेस वाले नहीं है, पुलिस वाले। प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्या मैटर है बताइए। अरे वाह, डे नाइट मूड आने पर प्रेस मीट बुलाते थे ना, अब टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं लग रहा है क्या? सर पहले कैमरे का कैप तो निकालिए। तू चुप रहे संडे। अब दिल्ली इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लेडी जर्नलिस्ट से शादी करने की इच्छा जता रहे थे ना, वो कोशिश कहाँ तक पहुँची है बॉस? इतने दिन करप्ट रहने वाले हमारे बॉस आज करेक्ट हुए हैं, ऐसे समय में वो बात करना ठीक है क्या? मैडम इच्छा तो जताई थी लेकिन पूरी नहीं हुई ना, इसलिए पापा की बताई हुई लड़की से शादी करके सेटल होने का सोच रहा हूँ। ओहो, तो फिर उस लड़की का क्या होगा? ये दूसरी लड़की कौन है जिसके बारे में बॉस ने हमें नहीं बताया? कौन सी लड़की? अरे बुद्धू, पूरे गांव भर की खबर रहती है तुम्हें, और 24/7 इस मजनू को याद करने वाली ये मॉडर्न लैला कौन है तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं पता। ओहो वो मैं हूँ। Oh,
जैसी ब्यूटी क्वीन देखी ना कहीं, माशा अल्लाह आहा माशा अल्लाह। तेरे जैसी ब्यूटी क्वीन देखी ना कहीं, माशा अल्लाह आहा माशा अल्लाह। संगीता लगे तू मिस वर्ल्ड रे, तू ही हीरो लगे मुझे, तुझ पे जाऊं सदगे, दिल से मैं जा से तुझे चाहूं कसम से। हाय सूर्या। हाँ बेटे। मनविता के कातिलों को पकड़ने के लिए रात दिन बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। मैंने सोचा तुम लोगों की ये परेशानी मैं खुद ही दूर कर दूं। वहाँ टीवी है तो ऑन कर मेरे बच्चे। मनविता केस में नया ट्विस्ट, तीनों हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल किया और खुद को कानून के हवाले किया। उस लड़की की हत्या हम तीनों ने की है। क्या हुआ, शॉक लगा? हेलो, नमस्कार एसीपी साहब, आप हमारे बेटे को जेल भेजने के लिए गवाह जुटाने में लगे हो। जो तुमको कभी नहीं मिलने वाला, जिन हाथों से तू मेरे बेटे को हथकड़ी पहनाने वाला है, उसी हाथों से सैल्यूट करने का टाइम शुरू हो गया। सुपर चॉप भतीजे, टीवी ऑन कर बेटा। राज्य की जनता की सहमति से प्रजापक्ष के अध्यक्ष मित्र प्रताप जी के बेटे विक्रम प्रताप जी प्रजापक्ष के यूथ प्रेसिडेंट घोषित हुए हैं। अब 2 महीने में शुरू होने वाले सेंट्रल बाय इलेक्शन में जीत कर मेरा बेटा एमपी भी बन जाएगा। एंड ही इज ऑन द वे टू पार्लियामेंट। डे टू शॉक टू। इस केस की चश्मदीद गवाह सोनम को हर हाल में ढूंढना होगा। ओके यस सर। सर, सोनम की लोकेशन का पता चल गया। सर कहाँ है? मैसूर में सर। इस लड़की को मैसूर से सुरक्षित लाने का इंतजाम करो। पकड़ो उसको, मार डालो। भाई, हम जो प्लान कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है और ये सोचकर हम परेशान हो रहे हैं। 3 दिन में ही केस सॉल्व करूंगा ये कहकर एसीपी सूर्या जाने कहां गायब हो गया है। आ!
एसीपी, मेरे बेटे के खिलाफ गवाही देने वाली थी वो लड़की सोनम। सुना है एक्सीडेंट में मारी गई वो लड़की। सोनम को एक्सीडेंट में मरवा कर अब तेरे बेटे के खिलाफ कोई गवाही देने वाला नहीं है, सोच कर रिलैक्स मत हो। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन सोनम स्पॉट पर थी नहीं। इस केस में सोनम सिर्फ एक प्राइमरी विटनेस है, मेन विटनेस नहीं। इस केस में तेरे बेटे और उसके दोस्तों के खिलाफ गवाही देने वाला चश्मदीद गवाह मैंने ढूंढ लिया है। ए, ये तो क्या कह रहा है? अगल बगल में टीवी हो तो ऑन कर चाचा। ए, टीवी ऑन कर रहे। क्या हुआ, क्या हुआ? डर गया मेरी वर्दी को देखकर? इंस्पेक्टर विक्रम है, मस्त कॉमेडी फिल्म है। न्यूज चैनल लगा। मानविता मर्डर केस में नया ट्विस्ट। जिन लोगों ने सरेंडर किया था वो असली खूनी नहीं है, प्रूव हो चुका है। जस्टिस गवाह सामने आया है। और वो गवाह कौन है? आप देखिए। वो रुद्र प्रताप का बेटा और उसके दो दोस्तों ने उस लड़की को बड़ी बेरहमी से जलाकर मार डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा। डर के मारे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज एसीपी साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया, इसीलिए निडर होकर मैं ये बात बता रही हूँ। उन तीनों दरिंदों को मत छोड़िएगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा। तू तेरे बेटे को पार्लियामेंट ले जाने वाला था ना? टेक डाइवर्शन टू सेंट्रल जेल। मैंने जो 3 दिन की मोहलत मांगी थी उसमें से 1 घंटा और बाकी है। अब पूरे 60 मिनट में शहर के कोने कोने में सिर्फ सायरन की ही आवाज सुनाई देगी। रेड अलर्ट। बॉस, घर में कोई नहीं है। परवेज आलम, शिवाजी नगर का शेर। क्यों रे पुलिस, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे? मेरे दोस्त के भाई को अरेस्ट करने का दम है तुझ में? है तो 15 मिनट में यहाँ पहुँच कर दिखा। आकर दिखा तेरी मर्दानगी, देखता हूँ मैं। इलाका है, मेरे हुक्म के बगैर एक मच्छर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, जाने मत देना। नारा तदबीर। अल्लाह हू अकबर। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमानु रहीम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमीन नकबरिल्ला आसामी अनुयाजिल मुजब्बिन लेक फिर लहू लहू। परवेज भाई, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। इस कलमा का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। गुनाह करने वाले को बचाना गुनाह करने से भी बड़ा गुनाह है। अगर ऐसा किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। शाबाश बेटा। Oh, 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 oh,
वहाँ एसीपी सबको पकड़ पकड़ के बैंड बजाता जा रहा है और यहाँ भाई की बोल क्या हुआ भाई वो एसीपी ना जख्मी शेर की तरह सब जगह घुस घुस कर सबको ढेर करता जा रहा है यहाँ कब आएगा पता नहीं तुम सब क्या है फर्स्ट टाइम एक पुलिस ऑफिसर ने तेरे घर में कदम रखा है तो इतना तो आवाज होएगा ना रुद्र प्रताप ए सीपी रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट के घर में घुसकर ये सब कर रहे हो ना ये कितना बड़ा क्राइम है पता है तुझे इतना देखने के बाद भी डायलॉग बोल रहे पांडे रुद्र प्रताप के प्यारे बेटे विक्रम प्रताप को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट के साथ पुलिस जब उनके घर आई तब रुद्र प्रताप के लोगों ने जानवरों की तरह अटैक किया इसलिए एसीपी सूर्या ने अपनी आत्मरक्षा के लिए पैर पे एक राउंड और हवा में दो राउंड फायर किया बॉस पांडे पकड़ो यस बॉस नॉन बेलेबल वारंट हमारे बॉस की खतरनाक एंट्री से कहीं रुद्र प्रताप पागल तो नहीं हो गया इस शहर के टॉप मोस्ट डॉक्टर कहिए डॉक्टर पेशेंट पर आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी वजह से उन्हें हाई बीपी हो गई जिसकी वजह से उनका ब्रेन काम करना छोड़ चुका है बॉडी पूरी सुन्न हो चुकी है इसलिए हमें यहाँ से दूर अमेरिका ले जाकर किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा कोर्ट से हम परमिशन लेके आ गए हैं इवनिंग 5 o'clock फ्लाइंग टू US आलोक पहनाइए बॉस सूर्या ये क्या कर रहा है डरने की कोई बात नहीं ये देसी ट्रीटमेंट है 100% काम करेगा क्यों डॉक्टर होगा 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 जरा माचिस तो देना क्या सर माचिस मांग रहे हो ए मुझे क्या समझ रखा है वी आर डॉक्टर्स लाइट लीजिए सर पटाखों का इलाज काम कर रहा है बॉस अभी से हाथ पैर शेक हो रहे उस दिन तू कह रहा था ना पॉलिटिशियन मतलब किंग है पोंग है पुलिस का मतलब क्या है पता है पुलिस मतलब पावर है उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है पुलिस मतलब डर होता है जो अभी से लग रहा है पुलिस मतलब मर्दानगी जो मेरे अंदर है मनविता के बेरहमी से हत्या करने वाले इस राक्षस को जब तक फांसी नहीं हो जाती आई विल नॉट रिलैक्स चैलेंज के मुताबिक तेरे बेटे को पहले ही अरेस्ट कर रहा हूँ 3 दिन की मोहलत देता हूँ तुझे मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले राज्यसभा से लेके विधानसभा तक जितना इन्फ्लुएंस लगाना चाहता लगा ले अगर दम है तो अपने बेटे को इस एसीपी सूर्या से बचा ले रुद्र प्रताप आमतौर पर आम लोगों को बहुत कम रुबाब होता है लेकिन खाकी वर्दी वालों को कुछ ज्यादा ही होता है मुझे देख के सब हंस रहे हैं तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या ये लोग भाई मैं इन्हें चुप रहने के लिए कहो ए तू यहां बैठ
जब यूथ लीडर जेल में बैठा हो तो स्टूडेंट को चुप नहीं बैठना चाहिए। सारे स्टूडेंट यूनियन को जगाओ और पूरे शहर में तबाही मचा दो, तबाही मचा दो। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्राइक दंगा फसाद छोड़कर घर चले जाइए। उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। उस रुद्र प्रताप की बात सुनकर अपना भविष्य मत बिगाड़िए। जाइए जाइए जाइए। हमें अपना भविष्य बनाना अच्छी तरह से आता है। अगर हमारे यूथ लीडर विक्रम प्रताप को रिलीज नहीं किया ना तो मैं यहाँ जलकर अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारे एसीपी को बोल दो सीधी तरह रिहा कर दे, नहीं तो काट डालूंगा। के लिए पुलिस वाले बैंड लेकर आए हैं। अब हम स्ट्राइक की जगह डांस करेंगे। डांस हमें डराने के लिए एक्स्ट्रा सीआरपीएफ अपने साथ लेकर आए हैं। ये जो आए हैं वो सीआरपीएफ नहीं है, एमआरपीएफ है। एमआरपीएफ मतलब मदर्स रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स। सिटीजन्स गलती करे तो उन्हें करेक्ट करने का काम होता है पुलिस का, स्टूडेंट गलती करते तो उन्हें करेक्ट करने का काम होता है टीचर का, और बच्चे गलती करते तो उन्हें सुधारने का काम होता है माँ बाप का। माय डियर मदर्स, टेक पोजीशन, अटैक। बच्चों का बैंड बजा रहा है, यहाँ हम अपना बैंड बजाते हैं। शुरू हो जाओ। ये सब हो क्या रहा है? जब तक विक्रम प्रताप को छोड़ नहीं देते हम कॉलेज नहीं जाएंगे। एग्जाम कितने बजे है तुम्हारी? 2 बजे। ओके टेल मी, व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर? How does a processor work? What is impulse? कुछ तो जानती हो, नहीं तो एग्जाम में दादागिरी करोगी क्या? महीने में 10 बार पार्लर जाना है, दुपट्टे से मुंह छुपाकर दिन भर बाइक पर लड़कों के साथ घूमना है, व्हाट्सएप फेसबुक पर रात भर चैटिंग करती रहोगी? हाँ, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करोगी तो एग्जाम तेरा बाप देगा क्या? अरे ये कौन स्टाइल है रे? स्टाइल है माँ? की स्टाइल? तू कॉलेज में पढ़े जावत है या गुंडागर्दी करे? पुलिस को उस तरह दिखाओ, तरह उस तरह से टकला कर दे। गंजा स्टाइल, ये तो उससे भी अच्छा हो गया। कटप्पा स्टाइल, कटप्पा स्टाइल। ये कौन है बॉस? सिंघम 3। मेरी माँ तो मुझे नहीं मारेगी है ना माँ? तेरी आई ऐसी वैसी नहीं है। मैं हूँ अम्मा भाई। मेरे रुद्र प्रताप भैया मेरे मम्मी पापा से भी प्यारे हैं। ये ले।
कोई नाम रखिए बॉस। स्वच्छ भारत की तरह स्वच्छ विद्यार्थी अभियान रखते हैं। वाह सुपर है बॉस। ऑल क्लियर सर। थैंक यू माजी। वेलकम सर। लाइव टेलीकास्ट कैसा लगा चाचा? तेरे पास और दो दिन है। ऑल द बेस्ट। डैम इट। और साउंड 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 से मेरे कान पे अपराधी हर राउंड 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 मेरे मारू मैं बड़ी ऑल टाइम ड्यूटी पार्ट टाइम मस्ती ऑन टाइम एंट्री इन टाइम विक्ट्री वर्दी से करूं मैं प्यार मानू कभी ना मैं हार। अपनी सूझबूझ और कड़क फैसलों की वजह से आम जनता का दिल जीतने वाला रियल हीरो एसीपी सूर्या। मेरा सपोर्ट है एसीपी सूर्या जी को। एसीपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। एसीपी सूर्या सर हम सबके रोल मॉडल हैं। उस एसीपी का ट्रांसफर करवा देंगे तो अच्छा होगा। ऐसे समय में उसका ट्रांसफर करवाना बहुत रिस्क का काम है। जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हाई कमांड हमें इसकी इजाजत नहीं देगा। क्या कहा हाई कमांड? मेरे बल से और मेरे पैसों से इस राज्य में हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़ी आप नहीं जानते हैं क्या? मैंने पार्टी के लिए कुत्ते की तरह मेहनत की है। हम कुत्तों को प्यार से इसलिए पालते हैं ताकि कोई अनजान आदमी आए तो उस पर भौंके, मालिक के ऊपर नहीं। आज हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब नए कुत्तों की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। उठाओ अपनी दुकान। आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये कहने वाले आप होते कौन हैं? एसीपी सूर्या के फैन। अरे कुछ भी हो जाए हम लूटेंगे। तो खाना खाने को तैयार हो जाओ। आई एम द मैन कानून का फैन। प्रामाणिकता से लोगों का दिल जीतने वाला असली हीरो है एसीपी सूर्या। हम सब एसीपी सूर्या के फॉलोअर्स हैं। रुद्र प्रताप को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैटर हाई कमांड तक चला गया है। अब आपकी पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट गई समझो। तू ये बताने आया गधे कह के? मुझे तू अभी भी गधा कह रहा है? ये तेरा जूठा पानी है ना? अभी भी मैं जूठा पानी ही पी रहा हूँ। तेरा जूठा खाना खा के जी रहा हूँ मैं। समझ में आता तो समझ वरना डूब मर। तू भी साथ में मर जा। सलाम भाई। ए चल जा यहाँ से। भाई बसंती का पता चल गया है। सूर्या तुम संगीता को फॉलो करो, मैं बसंती को फॉलो करता हूँ। आप लोग कंट्रोल रूम जाइए। ओके। Are you okay? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हेलो तेरी गर्लफ्रेंड बच गई है सोचकर खुश मत होना। तेरा बाप डीजीपी साहब को अपने पास बुलाने का मैंने ये प्लान बनाया था। This is a trap. इस केस की मेन विटनेस उस बसंती को और तुझे सपोर्ट करने वाले तेरे उस बाप को मारकर मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। डोंट शाउट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो अपने बाप और बसंती को आकर बचा ले। तेरे बाप को तो मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। अंतिम संस्कार के लिए जल्दी आ जा। Hey!
ए, शिखर शिखर सर 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 प्लीज सर प्लीज सर सर सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है वो या तो सस्पेंड होता है या तेरी तरह मर जाता है। अकेले जा रहे हो ये सोचकर दुखी मत होना, बहुत जल्दी तेरे बेटे को भी वहां भेज दूंगा। हे रुद्र प्रताप, मैं जिंदा हूं तो बस यही एक वजह है कि मेरा बेटा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है। मेरे मरते ही मेरा बेटा सारे कायदे कानून तोड़ देगा और तुझे ढूंढकर कुत्ते की मौत मारेगा। ड्यूटी पर मरना एक पुलिस वाले के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन मेरे बेटे के हाथों तेरी मौत घिनौनी होगी। अपने बच्चे की गोद में दम तोड़ना हर माँ बाप को नसीब नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे? मैं बड़ा नसीब वाला हूँ। रो मत बेटा, रो मत। देख बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मरने के बाद मैं तेरे बेटा बनकर जन्म लूंगा, तब तू देखना पापा पापा करके तेरे पीठ पर चढ़कर बेताल की तरह हर वक्त तेरे साथ ही रहूंगा और बेटे के रूप में मैं तुझे बहुत परेशान करूंगा। तू परेशान हो जाएगा। पापा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बेटा, इस जन्म में मैंने तुझे वक्त नहीं दिया, लेकिन अगले जन्म में तू ये अन्याय मेरे साथ मत करना बेटा। पापा सूर्या, तेरी हंसी बहुत प्यारी है, ये देखकर पूरा डिपार्टमेंट तेरी तारीफ करता है। चल अपनी मूंछों पर ताव देकर जैसे तू हंसता है ना, एक बार हंस कर बता 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 क्या बात है। जीता रहा मेरे शेर। इन तस्वीरों के बीच मेरी तस्वीर कब लगेगी ये सोचकर हर दिन हर घड़ी हर पल मैं गर्व से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, तेरी सारी कोशिशों पर पानी फिर गया ये सोचकर तो बहुत तड़प रहा होगा ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। कल कोर्ट में बेकसूरों पर तूने झूठा इल्जाम लगाया है, ये मैं वहाँ साबित कर दूंगा, क्योंकि ये है मेरी पावर। ए, तू कितना भी खुश हो ले, हार मानने के लिए मैं तेरे तरह नामर्द नहीं। ए,
क्या समझा है तूने? तेरे बेटे के खिलाफ मेरे पास ऐसा सबूत है जिससे उसे फांसी होकर रहेगी कल कोर्ट में उसकी मौत की खबर सुनने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है अभी भी कोई सबूत बाकी है। उन बच्चों को कोर्ट ले जाने से पहले हमें उन्हें बचाना होगा। अगर सच कहूं तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर कल कोर्ट में उन्हें बेगुनाह ठहराया जाएगा तब? नहीं नहीं, वो सजा से बचने नहीं चाहिए। जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तुम क्या करोगे? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सर, वो लोग यहां से भाग गए हैं। डैडी, बहुत डर लग रहा है डैडी। ए, डर मत मेरे बेटे। मेरे इस किले में घुसना चने चबाने जितना आसान नहीं है। वो दीवार फाड़ कर आने वाला नरसिम्हा नहीं। नोट देखते ही अपने कर्तव्य से गद्दारी करने के लिए ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, पुलिस है। इन्हें कोर्ट में हाजिर करने से ज्यादा क्या होगा? झूठे गवाह पेश करके इन्हें बेगुनाह साबित किया जाएगा। पुलिस अगर 24 घंटे रिस्क उठाकर किसी भी तरह से सबूत इकट्ठा कर भी लेती है तो तू हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगर उन्हें वहां पर सजा सुनाई गई तो भी 1-2 साल की कैद सुनाई जाएगी। पब्लिक के पैसों पर ही तुम जैसों का खाना पीना मौज मस्ती ऐशो आराम चलता है। इन कमीनों की वजह से मनविता भावना और उनके जैसी कितनी लड़कियों ने अपनी इज्जत और जान गंवाई है। इसीलिए इन्हें इन सब के सामने एक दर्दनाक मौत देने के लिए ही मैंने ये खेल रचकर आज इनकी मौत की तारीख तय की है। इतने दिन सब ईद और दिवाली मनाते आए होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर खून की होली मनाएंगे। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, इतने बेरहम मत बनो। यहाँ पर कोई चाचा वाचा नहीं है, यहाँ तू है विलन और मैं हूँ हीरो। सूर्या, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, प्लीज उसे छोड़ दो। सर, एक बार इससे आई लव पुलिस बुलवाइए। सर, एक बार नहीं, हजार बार कहूँगा, आई लव पुलिस, आई लव पुलिस, आई लव पुलिस। आई हेट क्रिमिनल्स। नहीं नहीं,
सूर्या।